तो हम लोग स्टोर में मेनली होता है चीजों को खरीदना और सही तरीके से खरीदना। अच्छा, खरीदने में हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है हमारा कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। ये जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसे लेड डाउन रूल्स हैं जिसको खरीदने के समय आपको फॉलो करना है। इवन हम अपने घर में कुछ खरीदते हैं ना तो भी इन्हीं कैनॉन्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। कैसे? ये पहला, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जो पहला है वो है, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्राइमा फेसी बी मोर देन द ओकेजन डिमांड। आज हमें मान लो किसी चीज की जरूरत है, जितनी जरूरत है हम उतना ही खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा आपने स्टोर कर लिया है। ख्याल आ गया? तो जो पहला इसमें रूल है, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट प्राइमा फेसी बी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स, एंड द एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शुड एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनी एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज ओन मनी। आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे हम अपना मनी खर्च कर रहे हैं। क्या लग गया? तो ठीक है, ये समझ में आ गया, दिखाई दिया। सेकेंड पॉइंट है, नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर्स ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट है, पब्लिक मनी शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी अनलेस। हमें ऐसे भी काम नहीं करना है, पब्लिक मनी को यूज करके ऐसे परचेजेस नहीं करने हैं जिससे कि पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर सेक्शन को ही फायदा हो, अनलेस द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इज इनसिग्निफिकेंट। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से चलते हैं कि पर्सन को थोड़ा फायदा हो जाए, मान लो कोई डिसेबल पर्सन है और बिजनेस कर रहा है तो उसको हम एक पॉइंट फेवर कर सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी, द क्लेम ऑफ अमाउंट कुड बी एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ, और जो अमाउंट है ठीक है वो कुड बी, उसको हम अपने जो लॉ है वो कोर्ट ऑफ लॉ में हम उसको एक तरह से एनफोर्स कर पाए, उसको वैलिडेट कर पाए, ठीक है। सी है, एक्सपेंडिचर इज इन प्रूडेंस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम। एक्सपेंडिचर इज इन परस्यूएंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम। एक सिस्टम बना हो आपको, उसी तरह से ही आपको अपना एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट है, द अमाउंट ऑफ अलाउंस, अलाउंस जो हमें मिलता है DA TA लाइक दैट, अमाउंट ऑफ अलाउंस सच एज ट्रैवलिंग अलाउंस ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप शुड बी सो रेगुलेटेड दैट द अलाउंस आर नॉट ऑन द होल सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू द रिसिपियंट। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम अलाउंस इतना ज्यादा दे दें कि वो उसका एक तरह से एक इनकम का सोर्स बन जाए, ठीक है, ओके। हमें जो उसकी जो बेसिक नीड है वो सैलरी से पूरी होनी चाहिए, ना कि अलाउंसेस से, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी था, इसको फॉलो करते हुए आगे सारे रूल्स बनाए गए हैं। हम भी अपने डे टू डे लाइफ में इसको फॉलो करते ही करते, ठीक है। अब परचेज पॉलिसी, कैसे खरीदना है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कौन कौन से हमारे लेड डाउन प्रोसीजर्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम लोग परचेज करते हैं। तो पहला पॉइंट है, परचेज पॉलिसी टू बी विद इन द फ्रेम वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वेरियस पब्लिक एक्ट्स। पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये कई बार पूछा जाता है, इसको आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। ये जो परचेज पॉलिसी है उसमें सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, सबसे पुराना एक तरह से है ये, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996,
उसके बाद है रिलेवेंट कस्टम्स एक्साइज एंड सेल्स टैक्स एक्ट, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान में रख के रेलवे कोई भी मटेरियल परचेज करती है, ठीक है। किसी भी ये जो लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं इसको किसी को वायलेट नहीं करना है, और विद इन एम्बिट ऑफ ऑल एक्ट हमें परचेज करना है, ठीक है। और इन सबसे ऊपर है कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी तो अगर कोई वायलेशन भी आप करते हैं और अगर आपने कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा है तो भी सब सारी चीजें माफ है, ठीक है। अब परचेज पॉलिसी हम कंटिन्यू करते हैं। यहां से आप लिखिएगा टाइप्स ऑफ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने तरह के सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, सप्लाई का मतलब मटीरियल सप्लाई। हाँ, तो पहला है रेट कॉन्ट्रैक्ट, यहां से क्वेश्चन आना शुरू होता है रेट कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है फिक्स्ड क्वांटिटी ऑब्लिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहला है रेट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। अब रेट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी हाँ जी, रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्ड इंपॉर्टेंट है रेट। रेट को आप पकड़ के चलिएगा, रेट जो है रेट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे जो सेलियंट पॉइंट है दैट इज रेट। सब कुछ रेट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। जनरलाइज्ड ये जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है ये जनरलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जनरलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा पॉइंट है फाइनलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, 1 or 2 years, ठीक है। ये जो रेट कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ किया जाता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा। सपोज मान लेते हैं एक आपको अपने यहाँ एक फैन की जरूरत है, ठीक है, जो हम ऑर्डिनरी गर्मियों में फैन यूज करते हैं, ठीक है, सीलिंग फैन आपके यहाँ से डिमांड आया। सबको जरूरत होती है, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया में हर जगह जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना अपना रिक्यूपमेंट, अपनी अपनी नीड को इंडेंट जो है वो हम भेज देते हैं। और अब क्या होता है कि अच्छा ऐसे धीरे धीरे अपने जोनल रेलवे के पास डिमांड आ गया, दूसरे जोन्स के पास आ गया, तो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि अगर हम बल्क में परचेज करते हैं, क्या कैसे करते हैं, बल्क में परचेज करें तो शायद सस्ता पड़े, ठीक है। मान लो अपनी जरूरत है 2 पंखे 4 पंखे, लेकिन क्लब होके हो सकता है पूरे इंडिया में ये 100,000 फैन बन जाए, कितना हो जाए, 100,000 फैन। तो अब 100,000 फैन का किसी कंपनी को ऑर्डर दें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो क्या करते हैं, पहले कंपनी थी आरडी, अपना DGS&D, ठीक है, लेकिन अभी वो नहीं रही, अभी हम सारा जो काम है सारे पावर्स जो जेम को दे दिए गए हैं, ये सब आगे बात करेंगे हम लोग। तो वो क्या करता है, जेम क्या करता है या अपना DGS&D क्या करती है कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी पर्टिकुलर कंपनी से। सपोज जैसे मान लो एक नाम मैं बोलता हूँ, खेतान से उसने, खेतान फैंस के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। खेतान को बोलती है भाई मैं जो है आपसे 1 या 2 साल के अंदर 1,00,000, आप मैं बताएंगे क्वांटिटी नहीं बताएंगे, वो कहेगी फैन आपसे खरीदना है और जो फैन खरीदा जाएगा ठीक है उसमें इस रेट से खरीदा जाएगा, सपोज 800 रुपी पर पीस खरीदा जाएगा, ठीक है। तो आप एग्री हो, तो अगर वो बोल देते हैं हाँ एग्री है, तो आगे वो बात करता है कि भाई 1 या 2 साल के अंदर ये पूरा परचेज होगा, ठीक है, और हम अभी आपको क्वांटिटी नहीं बताएंगे और आपको डिलीवरी कहां देना है ये भी नहीं बताएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करके सभी रेलवेज में सर्कुलेट कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके यहाँ लेटर आ गया कि भाई आपकी जरूरत है, अपनी जरूरत के हिसाब से आप फैन मंगवा सकते हैं खेतान से, ठीक है, और खेतान को रेट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है। तो अब आपके जो ऑफिसर हैं वो होते हैं उस समय DDO, DDO का मतलब होता है डायरेक्ट डिमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, वो उस रेट कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर खेतान को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और बोल सकते हैं मुझे 5 पंखे भिजवा दो, ठीक है, और उसका फिर अकाउंटिंग जो भी होगा होगा, लेकिन रेट फिक्स कर दिया जाता है रेट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक पीरियड 1 or 2 years। तो जल्दी से फिर से एक बार देखते हैं, ये जनरलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फाइनलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड 1 or 2 years, ऑल टर्म्स फाइनलाइज्ड इंक्लूडिंग रेट बट नॉट द क्वांटिटी एंड कंसाइनीज। रहे
कि ये क्वेश्चन है कि भाई रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज फाइनल होती है, तो आंसर होगा रेट ओनली। क्वांटिटी कितनी खरीदनी है ये नहीं बताया जाएगा, कंसाइनी कौन होगा ये भी नहीं बताया जाएगा, ठीक है ओके। अब है अगला है डीडीओज प्लेस ऑर्डर ऑन रेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक कंसाइनी एंड क्वांटिटी। तो अलग अलग डीडीओ पूरे इंडियन रेलवे में हो सकता है, 1000 डीडीओ हो, डीडीओ का मतलब जो भी डिमांडिंग ऑफिसर होगा, ठीक है, एक यूनिट का बना दिया, एसएनटी का बना दिया, स्टोर्स का बना दिया, इंजीनियरिंग का बना दिया, किसी वर्कशॉप का बना दिया, हर किसी के अपने अपने डीडीओज होंगे और अपने हिसाब से वो खेतान को भेजते जाएंगे क्या डिमांड, और खेतान उनके उनके लोकेशन पर वो सप्लाई करता चला जाएगा, ठीक है, ऑन द सेम रेट। तो दिस इज रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बल्क इसका फायदा क्या है, क्योंकि रेट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ह्यूज एक लंबे पीरियड के लिए होता है, सप्लायर भी सोचता है चलो भाई गारंटी हो गया कि रेलवे के साथ हमारा एक तरह से रिलेशन बन गया, यहाँ से कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी मांगी ही जाएगी और फिर हम सप्लाई करते रहेंगे, एक गारंटी सोर्स ऑफ यू नो इनकम हो जाता है वहां से, इसीलिए रेट कॉन्ट्रैक्ट में कंपनीज ज्यादा बिलीव करती हैं, ठीक है। अच्छा, इससे और रेट कॉन्ट्रैक्ट के और क्या फायदे होते हैं, सेव्स लॉट ऑफ टाइम इन रूटीन प्रोसेसिंग। ऐसे मान लीजिए आपको अब अपना डिमांड रखो, आपको भी एक महीने लगेगा, हर किसी को इस तरह से जितने भी कंसाइनी है पूरे रेलवे का हर जगह टाइम वेस्ट होगा, लेकिन इसमें क्या होता है जब रेट कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया तो आपको सीधे सीधे डिमांड करना है, बाकी कोई अलग से रिक्रूटमेंट नहीं बनाना, अलग से इंडेंट नहीं बनाना, अलग से उसका टेंडर नहीं ओपन करना है, वो सब सारी चीजों से आप बच जाते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट है सेव लॉट ऑफ टाइम इन रूटीन प्रोसेसिंग, ठीक है, ये आपको अकाउंट से वेटिंग कराना ये सब झंझट से खत्म हो जाता है, ठीक है, सीधे सीधे आपको ऑर्डर देना है और उतनी क्वांटिटी रिसीव करनी है। नेक्स्ट है सप्लायर्स टेक अ रिस्क। सप्लायर जो है वो एक रिस्क लेता है, क्या रिस्क है, एज एंटीसिपेटेड क्वांटिटी मे नॉट बी प्लेस्ड ऑन हिम, ठीक है। अब कि भाई जैसे मान लो उसने सोच लिया कि मैं तो 5 लाख फैन सप्लाई करने का सोच रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं उसको 5 लाख का, हो सकता है 2 साल के अंदर केवल 80,000 ही उसको फैन का ऑर्डर मिले अलग अलग वीडियोज के थ्रू, ठीक है, तो इसमें थोड़ा रिस्क होता है, ठीक है, लेकिन वो काफी सेफ होता है, इतना भी कम नहीं होगा, 2-4 पंखे नहीं खरीदेंगे जाएंगे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, सप्लायर जो है वो कभी कोई डैमेज अगर हुआ, जैसे मान लो आपको कोई फैन मिला, 4 फैन मिला, उसमें एक फैन डैमेज हुआ, अगर डैमेज रिसीव जहां पर हुआ उन्होंने क्लेम कर दिया कि 1 फैन हैज बीन रिसीव्ड इन डैमेज्ड कंडीशन, तो सप्लायर को मानना पड़ता है उसको, ठीक है, और उसको रिप्लेस करके दूसरा फैन देना पड़ता है, तो ये जो है एक तरह से सप्लायर साइड रिस्क है, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉमन यूजर आइटम्स फॉर रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन कौन से आइटम्स हैं जिसका रेट कॉन्ट्रैक्ट रेलवे करती है, ठीक है, जैसे सीलिंग फैंस, केबल्स, टॉर्च सेल्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, इंडस्ट्रियल गैसेस, ठीक है, क्लीनिंग आइटम्स करती है, व्हीकल्स करती है, ठीक है, और कंप्यूटर्स करती है, पीसी, ठीक है, ये सारे जो है हमारे रेट कॉन्ट्रैक्ट के यूजुअल आइटम है, ओके। अगला पॉइंट है हमारा रनिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं फिर से एक बार जल्दी से रिकैप करता हूँ, बराबर दिखता नहीं है सर, दिखता नहीं है अगेन सर, परफेक्ट परफेक्ट सर, आगे तो मुझे लगता है कहीं बैंडविड्थ का, एक बार आप देखिए जरा बैंडविड्थ का इशू होगा आपके एंड पर, ठीक है, तो प्लीज, ठीक है। अगला पॉइंट तो हमने क्या हमारे लिए जो टेक अवे होगा वो क्या होगा कि रेट कॉन्ट्रैक्ट में रेट डिफाइंड होता है, क्वांटिटी और कंसाइनी डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब रनिंग कॉन्ट्रैक्ट को जरा ध्यान से समझिएगा, टू अवॉइड रिस्क इन रेट कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर इंसिस्ट्स ऑन क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब उसको तो पता नहीं, वो तो 5 लाख पंखे तैयार करके बैठेगा और केवल सप्लाई आई 2 साल में, पता चला केवल 80,000, तो भाई उसका तो एक तरह से नुकसान हो जाएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, उसके ऊपर रेलवे क्या बोलती है कि आप मेरा मोनोग्राम भी लगाना, तो अब वो मोनोग्राम वाला फैन कहीं और नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे रेट कॉन्ट्रैक्ट को कंपनीज जनरली अवॉइड करती हैं, वो कहती हैं भाई हमारे साथ रनिंग कॉन्ट्रैक्ट आप करो, तो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट का वहां से कॉन्सेप्ट आया, तो
इसका बेनिफिट क्या है, टू अवॉइड रिस्क इन ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर इंसिस्ट्स ऑन क्वांटिटीज स्पेसिफिकेशन। भैया क्वांटिटी तो एक लमसम बताओ ना, भैया आप 1 लाख लेने वाले हो, 2 लाख लेने वाले हो, एक मोटा मोटा आपको क्वांटिटी बताना पड़ेगा, क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब जितना क्वांटिटी आपने बता दिया, सपोज आपने 1 लाख क्वांटिटी बताया, तो उसमें कंपनी ये मानती है कि भाई प्लस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं उसमें, कि भाई प्लस माइनस 20% और 30%, लेकिन ये क्वांटिटी 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी वेरिएशन अप टू 30%, अप टू का मतलब मैक्सिमम लिमिट है 30%। जैसे मान लो 1 लाख फैन का आप रनिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो ये उम्मीद करता है कि इट कुड बी 70,000, इट कुड बी 130, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा कि पता चला कि 4 लाख का 1 लाख हो गया, ठीक है। तो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बेनिफिशियल है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सप्लायर, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंसाइनी हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो ध्यान से पॉइंट्स नोट करते जाइएगा, किस किस चीज में क्या स्पेसिफाइड होती है, क्या नहीं होती है, ठीक है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट प्लेसिंग अथॉरिटी, जनरली कॉन्ट्रैक्ट प्लेसिंग अथॉरिटी ओनली ऑपरेट्स आरजीसी, आरजीसी स्टैंड्स फॉर रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ठीक है। आरसी रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, और आरजीसी का मतलब होता है रनिंग, आरसी का मतलब होता है रेट कॉन्ट्रैक्ट, और आरजीसी का मतलब होता है रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जनरली कॉन्ट्रैक्ट प्लेसिंग अथॉरिटी ओनली ऑपरेट्स आरजीसी अनलाइक आरसी बाय डीडीओस, ठीक है। इसमें रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, बहुत सारे डीडीओस होते थे पूरे इंडियन रेलवे में, सपोज जितने भी जूनियर स्केल ऑफिसर्स हैं सबको डीडीओ बना दिया, या सीनियर स्केल्स को बना दिया, ठीक है। तो अब सोचो कितने सारे डीडीओ हो गए, बहुत सारे डीडीओ हो गए, लेकिन अपना जो रनिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इतने सारे डीडीओज नहीं होते हैं, इसमें एक लिमिटेड जो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने प्लेस किया है, ठीक है, वही केवल डिमांड कर सकता है, ठीक है, क्वांटिटी के लिए। तो सपोज एग्जांपल देते हैं, मान लो पहले जो कंपनी थी अपनी सेंट्रलाइज एजेंसी डीजीएसएनडी, तो डीजीएसएनडी ने अगर रनिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो आप डीजीएसएनडी को बोलोगे कि मुझे क्वांटिटी चाहिए इतनी, तो आप डायरेक्टली फर्म को ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाओगे, आपको किसको बताना पड़ेगा, डीजीएसएनडी को, ठीक है। तो ये एक तरह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग है रनिंग कॉन्ट्रैक्ट इन कंपैरिजन टू रेट कॉन्ट्रैक्ट। आगे समझ में, ठीक है। जो अगला अगला जो पॉइंट है, रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रनिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और दोनों को जो मेन फीचर्स थे आपको समझ में आ गए, ठीक है। अगला जो है वो है फिक्स्ड क्वांटिटी और डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे ज्यादा स्टोर्स जो है वो रेलवे में इसी मोड के थ्रू ऑपरेट होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑब्लिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो पहला सेलियंट फीचर है, ऑल टर्म्स including quantity, consignee, delivery date specified at contract stage itself. जिस दिन आप contract करते हो सभी terms, सभी पत्ते आपको खोलने होते हैं, quantity भी बताना होगा, consignee कौन है, कहाँ delivery देना है ये भी बताना होगा, और delivery date भी बतानी होगी कि किस date तक आप delivery दे दें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा railway में use होने वाला contract यही है, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑब्लिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसका, इट इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड कॉन्ट्रैक्ट लाइक आरसी और आरजीसी, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, वन टाइम वन शॉट, ठीक है। नो सब्सिक्वेंट सप्लाई ऑर्डर, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक सप्लाई आप ऑर्डर प्लेस करते जाओ उसी कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, जितनी क्वांटिटी के लिए किया वो फाइनलाइज हो गया, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब आप चाहो कि उसी रेट पर उसी कंडीशन पर फिर से आप ऑर्डर प्लेस कर लो उस पर, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको नए सिरे से फिर से इनिशिएट करना होगा अगर आप ये वाला मोड चूज करते हो टू परचेज द मटेरियल, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बट बेटर कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो थोड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, अपने साइड से होता है, अपने ने एक बार जो लिख दिया वो कई बार फाइनल हो जाता है, इवन अमेंडमेंट बहुत कम निकालने कोशिश होती है कि अमेंडमेंट भी ना निकाला जाए, क्यों, क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन में जा सकती है, ठीक है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है,
अपने साइड से, एडमिनिस्ट्रेशन साइड से भी नहीं होता है और सप्लायर साइड से भी नहीं होता है। लेकिन एक बार एक चीज श्योर है कि एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू पॉइंट से ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक बार लिख के और फिर वो सो जाएगा, आपको मटेरियल आना ही आना है, ठीक है। अगला है, मोस्ट ऑफ द रेलवे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स फॉल इन दिस कैटेगरी। जो मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा कि कौन सा मोड यूज किया जाता है, तो दिस इज द रिटन ओवर हियर, ये लिखा हुआ यहां पर, ठीक है, बराबर। आगे चले, हाँ। अब अगला जो पॉइंट है इंटेंट्स, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। ऑल आइटम्स आर नॉट परचेज्ड बाय कंसर्न्ड रेलवे। जरूरी नहीं है कि हर आइटम हर रेलवे खरीदे, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम बहुत सारे लोगों का डिमांड एक साथ क्लब करके ऑर्डर दें, ठीक है, सेंट्रलाइज परचेज के लिए ऑर्डर दें, तो शायद हमें कम रेट में सप्लायर जो है वो मटेरियल अवेलेबल करा पाएगा, ठीक है। ड्यू टू एडवांटेज ऑफ बल्किंग, बल्किंग का मतलब बल्क में मटेरियल आने को, ठीक, ड्यू टू एडवांटेज ऑफ बल्किंग सेंट्रलाइज्ड परचेज इज रेस्टोर्ड टू, उसको भी हम सेंट्रलाइज्ड परचेज को भी हम रेस्टोर करते हैं, ठीक है। बल्क इंडेंट्स आर प्लेस्ड ऑन, अब कौन कौन सी एजेंसीज हैं जिस पर आप बल्क इंडेंट प्लेस कर सकते हैं, GEM, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा, कहीं नोट कर लीजिए। GEM सबसे ज्यादा पॉपुलर पोर्टल है आज के डेट में गवर्नमेंट परचेज के लिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। और अभी तो जितने भी रूल एंड रेगुलेशन आए हैं इसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही आपको खरीदना है फॉर श्योर, ठीक है। GEM का फुल फॉर्म लिख लीजिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। और दूसरा जो बल्क इंडेंट जाता है वो है रेलवे बोर्ड को, ठीक है, रेलवे बोर्ड में इम्पोर्ट करने के लिए और अदर हाई वैल्यू आइटम्स के लिए, ठीक है, जैसे वैगन है, कोचेस हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद आपको अगर और भी बड़ी मतलब बड़े इंडेंट के लिए DLW, ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, कोर का मतलब जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, और कॉफमो जो वर्कशॉप के मॉडर्नाइजेशन के लिए फर्म काम करती है, इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है, उसको आप बल्क परचेज के लिए भेज सकते हैं। और उसके बाद हमारे जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसमें अगर आप जोनल लेवल पर देखने जाएं तो आपको हर डिस्पेंसरी से दवा खरीदने का की अनुमति नहीं है, आप इसको सभी ऑर्डर्स को क्लब करके भेज देते हैं PCMD, ठीक है, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर के पास, और वहां से वो सेंट्रलाइज परचेज करके और अलग अलग हॉस्पिटल्स को वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बल्क परचेज का अपना एक तरह से बेनिफिट भी है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, परचेज में क्या होता है, ठीक है। अब मान लो आपने अपने अपने डिमांड सब रख दिए, सबने अपने अपने डिमांड रख दिए, ठीक है। डिमांड रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसका टेंडर निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, परचेज रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर। परचेज क्या चाहिए, अगर परचेज आपको करना है तो आप किसी ना किसी सप्लायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या खास बात होती है, इसके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द बायर एंड सप्लायर, उसमें दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पहला है ऑफर, दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ठीक है। मान लो आप बहुत सारे फर्म से आपने ऑफर मंगवा लिए, ठीक है, और उसमें से किसको एक्सेप्ट करना है ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप टेक्निकल सूटेबिलिटी देखेंगे और रेट लोएस्ट हो वो देखेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स दूसरे भी हैं, ठीक है, और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वो सप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये भी देखेंगे। तो क्या क्या खास बात है, ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, सप्लायर सबमिट्स ऑफर एक्सेप्ट बाई वे ऑफ सप्लाई ऑर्डर, और परचेज ऑफ मटीरियल एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। ध्यान रहे, बहुत सारे जब कॉम्पिटिटर्स होंगे तो आपको तभी आपको सही मायने में आपके आपको कॉम्पिटिटिव रेट पर चीजें मिल पाएंगी, ठीक है, और केवल मोनोपोली वाला कोई है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर परचेज ऑफ मटेरियल्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस परचेजेस आर डन थ्रू नॉर्मल मोड ऑफ टेंडर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से आपके लिए टेक अवे बनता है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉर परचेजेस ऑफ मटीरियल एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस,
purchases are done through normal mode of tenders. कौन कौन से तरह की टेंडर होते हैं? पहला है ओपन टेंडर, दूसरा है लिमिटेड टेंडर, तीसरा है बुलेटिन, और चौथा समझ लीजिए सिंगल टेंडर्स. ठीक है, सिंगल टेंडर अलग ही कैटेगरी में रखिएगा, ओपन, लिमिटेड, बुलेटिन एंड सिंगल. ठीक है, नोट कर लिया होगा आई होप. इनको आप अगर ओपन टेंडर से खरीदते हैं कोई मटेरियल तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट परचेज. ठीक है, डायरेक्ट परचेज मोड. लिमिटेड से भी खरीदते हैं तो भी वो डायरेक्ट परचेज मोड है, बुलेटिन से करते हैं तो भी डायरेक्ट परचेज मोड है, और सिंगल तो डायरेक्ट परचेज है ही. ठीक है, तो इन चारों मोड्स को हम डायरेक्ट परचेज मोड के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, और इसमें हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में. ओपन टेंडर, इसका दूसरा नाम है एडवर्टाइज्ड टेंडर. ठीक है, ओपन जैसे नाम से पता चल रहा है, इट इज ओपन फॉर ऑल, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जितने भी फर्म हैं. ठीक है, जो आपके कंडीशन को फुलफिल करते हैं, दे ऑल आर इनवाइटेड. यूज्ड फॉर एस्टिमेटेड टेंडर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. वैल्यू, ये करंट वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने मॉडल एसओपी से लिया हुआ है, तो आप इसको जरा नोट करके रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है. यूज्ड फॉर एस्टिमेटेड टेंडर वैल्यू ग्रेटर देन 25 लाख. अगर कोई टेंडर है जिसकी वैल्यू 25 लाख से ज्यादा हो रही है तो आपको इनवेरिएबली ओपन टेंडर मोड से ही परचेज करना है. ठीक है, ओके, आई होप नोट कर लिया होगा आपने. ठीक है, ओपन, हाँ, ओपन टेंडर. आप अगर 25 लाख से ज्यादा का आपका रिक्रूटमेंट बन रहा है तो आपको इनवेरिएबली ओपन टेंडर और एडवर्टाइज टेंडर ही फॉलो करने हैं. ठीक है, अब क्या होता है इसमें ओपन टेंडर में? वाइड पब्लिसिटी, नो कंट्रोल ऑन चॉइस ऑफ सप्लायर्स. आप इसमें सभी को आप टेंडर इंक्वायरी भेजते हैं. ठीक है, ठीक है, एडवर्टाइज में दे देते हैं, पेपर में एडवर्टाइज कर देते हैं कि भाई सभी लोग पार्टिसिपेट करें. ठीक है, मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. ठीक है, और ओपन टेंडर में इस बात के सबसे ज्यादा चांस है कि जो आपको मटेरियल मिलेगा वो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइस पर मिलेगा. ठीक है, जैसे आप चेयर खरीदने जाते हैं तो चेयर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सप्लायर, एक सिंपल सी बात बताऊं आपको, एक मान लो आपने इवन ये भी मेंशन कर दिया कि मुझे गोदरेज वाला या गोदरेज लाइक या गोदरेज के जैसा चेयर खरीदना है, आपने उसके सारे स्पेसिफिकेशन दे दिए. ठीक है, तो आप अगर डीलर के पास जाएंगे तो वो उसी चीज का अलग रेट बताएगा, दूसरे डीलर के पास जाएंगे वो किसी उसका रेट कुछ अलग भी वो बताएगा, तो एक ही चीज के कई रेट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. ठीक है, वो कहाँ पर उनका शॉप है, क्या है, कैसे है, वो बहुत सारे डिटेल में अपने नहीं जाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है ओपन टेंडर के लिए जाना. ठीक है, उसमें आपको मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेट्स मिलते हैं फॉर योर डिमांड, जो आपकी जरूरत है. ठीक है, इसमें लेकिन क्या होता है ओपन टेंडर में, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बहुत सारे फॉलो करने होते हैं. ओपन टेंडर ओपन होता है, उसके बाद में उसका पूरा इवेल्युएशन होता है, काफी अच्छा पीरियड दिया जाता है बिकॉज सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाए. किसी कारण से इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, जब आप मटीरियल आएगा तो पता चलेगा 3-4 महीने निकल जाते हैं. ठीक है, इसका लीड टाइम बहुत ज्यादा होता है. लीड टाइम का मतलब जब आपने रिक्रूटमेंट दिया और जब आप मटीरियल फिजिकली आपके पास आया उसके बीच में जो टाइम गया, वी कॉल इट लीड टाइम. ठीक है, हाँ, अगला जो टेंडर टाइप है उसको हम बोलते हैं लिमिटेड टेंडर, एलटी. ठीक है, अब एलटी जो है, एलटी अभी ये वैल्यू जो है, वैल्यू लेस देन 10 लाख जो है बढ़ गई है. अगर लेस देन 25 है, ठीक है, जो 25 की कट मैंने टर्म लिखा हुआ है वहां पर, लेस देन 25 लाख से अगर आपको परचेस करना है तो आप लिमिटेड टेंडर की तरफ जा सकते हैं. ठीक है, ओके, तो ये 10 लाख जो है, ये मॉडल एसओपी से पहले का रेट है, अमाउंट है. मॉडल एसओपी में इट इज मेंशन कि ये 25 लाख तक आप लिमिटेड टेंडर के लिए जा सकते हैं. ठीक है, ओके, अब लिमिटेड टेंडर में क्या होता है, लिमिटेड सोर्सेज होते हैं. ठीक है, ओके, अच्छा, ये जो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं वो जोनल लेवल पर उनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ होता है ऑलरेडी. ठीक है, अपने हेडक्वार्टर में. ठीक है, और ये जो होती है इनकी प्रॉपर स्क्रूटनी करके इनको हम फाइनलाइज करते हैं. ठीक है, ऑन अप्रूव्ड पैनल, एक पैनल होता है, सपोज
आपको पीसी खरीदना है, कंप्यूटर्स खरीदने हैं, तो कंप्यूटर के अगर आप सपोज सप्लायर हैं तो आपको हेडक्वार्टर में जाके अपने को अपना नेम नोटिंग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि लिमिटेड टेंडर अगर आप ऑफर करते हैं तो हमें भी ऑफर करें, उसका कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह होता है, आप हेडक्वार्टर में जाके रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, जो भी हेडक्वार्टर की कंडीशन होती है, आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि आप ऑथेंटिक हो या नहीं हो, ठीक है, तो उस भी पर आप अपने आप को रजिस्टर करवा दीजिए और वहां से आप आपको जब भी कोई लिमिटेड टेंडर कंप्यूटर्स का निकलेगा तो आपको इंक्वायरी जरूर भेजा जाएगा। ठीक है, तो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं ऑन अप्रूव्ड पैनल। ठीक है, इसका कैसे होता है, डिमांड इज अर्जेंट, जो आप उन्हीं आइटम्स का लिमिटेड टेंडर ऑफर करते हैं जिसकी जो डिमांड है वो थोड़ी अर्जेंट इन नेचर होती है, आपको स्टिपुलेटेड टाइम, आपको लंबा टाइम नहीं मिलता है इसमें, 3-4-5 महीने का नहीं मिलता है आपको, सपोज कोई मटेरियल खरीदना है 1 महीने में खरीदना है तो आप लिमिटेड टेंडर करेंगे। ठीक है, बस शर्त यही है कि वैल्यू जो है वो लेस देन 25 लाख हो, या आप नोट कर लेना वैल्यू, क्योंकि वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिमांड इज अर्जेंट। ठीक है, 25 लाख लेटेस्ट है सर, ये लेटेस्ट है, मॉडल एसओपी 2018 अभी फॉलो हो रहा है और ये लेटेस्ट है। ध्यान रहे कि अगर ओपन टेंडर है तो ग्रेटर देन 25, और अगर आपका लिमिटेड टेंडर के लिए आप जा रहे हैं तो लेस देन 25। ठीक है, उसके बाद अब इसमें जो लिमिटेड टेंडर है वो भी कई तरह का होता है, जनरली दो टाइप क्या हम लोग ऑर्डिनरी इसको डिफाइन करते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी एलटी, ऑर्डिनरी लोकल टेंडर, सॉरी लिमिटेड टेंडर, और दूसरा है एसएलटी, स्पेशल लिमिटेड टेंडर। स्पेशल लिमिटेड टेंडर हम केवल सेफ्टी आइटम, ठीक है, सेफ्टी आइटम्स और अर्जेंट डिमांड के लिए, मोस्ट अर्जेंट डिमांड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। एसएलटी में तो हम शायद तीन या चार फर्म्स को ही हम टेंडर डॉक्यूमेंट भेजते हैं। ठीक है, ये स्पेशल हो गया सेफ्टी आइटम्स के लिए। ठीक है, और जनरली लिमिटेड टेंडर, और सबकी जो ध्यान रखना वैल्यू है वो लेस देन 25 लाख है। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो है हमने देखा था बुलेटिन वाला। ठीक है, तो बुलेटिन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊं कि अपने हर जोनल रेलवे में पोस्ट होती CPRO, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ठीक है, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के यहाँ से आपको एक हर पूरे रेलवे का एक बुलेटिन निकलता है। ठीक है, और ऐसे बुलेटिन में भी आप अपनी डिमांड को रख सकते हैं कि मुझे जो है एक पर्टिकुलर आइटम की नीड है, और वो वीकली बुलेटिन में चला जाता है और आपको वहां से आ जाता है। ठीक है, तो वीकली बुलेटिन में क्या है, फ्यू 100 आइटम्स एट टाइम, आप छोटी डिमांड, मान लो आपको ऑल ऑफ सडन कुछ स्टेशनरी की जरूरत हो गई तो आप वीकली बुलेटिन में डाल देते हैं। ठीक है, स्टेशनरी वहां से आ जाएगा बहुत कम टाइम में, 10 डेज के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, इशूड टू द रजिस्टर्ड सप्लायर हु सब्सक्राइब टू द बुलेटिन। अब मजे की बात है, ये जो बुलेटिन होता है ना, ये सबको नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि CPRO साहब ने जो बुलेटिन निकाला वो ऑल इंडिया ब्रॉडकास्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक सिस्टम बना के रखते हैं कि उन्हीं सप्लायर्स को वो बुलेटिन भेजा जाता है। ठीक है, जैसे समझ लो आप कोई मैगजीन आपने सब्सक्राइब किया हो ना, ठीक है, उसी तरह से ये वीकली बुलेटिन रेलवे का आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन गेट द बुलेटिन। और उस बुलेटिन में आपको बहुत सारी चीजें होती हैं, रेलवे के डिमांड्स, बहुत सारे अलग अलग जोनों से जो डिमांड्स आती हैं, तो आप उसके सब्सक्राइबर पहले बनते हो, वो आप जोन CPRO साहब के ऑफिस में जाके आपको अपना नेम नोटिंग कराना होता है, उसका कुछ फीस वगैरह होता है, बहुत नॉमिनल फीस है, 100-200 रुपीज। ठीक है, तो वहां आप अपना कर दो और हर वीक आपको बुलेटिन आ जाएगा। ठीक है, पहले तो बुलेटिन फिजिकली जाता था, प्रिंट होके जाता था, अब तो मोबाइल में चला जाता है। ठीक है, और उसको आप अपना देख के आप जिसके लिए एलिजिबल हो उसके लिए आप रेट ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइप है सिंगल टेंडर, बड़ा रिस्की है सिंगल टेंडर, तो सबसे अगर सिंगल टेंडर के थ्रू आप परचेज करते हैं तो समझ लीजिए आप सब बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, हाँ, इसमें है हम किन किन चीजों को हम सिंगल टेंडर के थ्रू परचेज करते हैं, तो वो आइटम्स होते हैं PAC आइटम्स, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, PAC आइटम्स। ठीक है, अच्छा, इसकी कंडीशन है कि PAC आइटम्स, PAC आइटम्स समझते हैं, ऐसे आइटम्स जिनका जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, जैसे मान लीजिए आप आपके पास ना एक HP का कंप्यूटर है, क्या है, हेलो, HP का कंप्यूटर सर, हाँ, तो अब एक मान लो आपको रैम उसमें आपको खराब हो गया।
ठीक है, रैम खराब हो गया आपके, मान लो यहाँ आपके ऑफिस में मान लो 5 कंप्यूटर है एचपी के, रैम खराब हो गया, ठीक है। अब रैम तो आपको ऐसे नहीं मार्केट से आप कोई भी रैम लगा लोगे, आप चाहोगे कि एचपी मेक का और उसमें फिट, उसमें फिट होने वाला ही रैम लगाओ, ख्याल आ गया। तो इसमें क्या हुआ, आपने आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई ये आइटम मेरे पास है और मुझे यही आइटम चाहिए, इसी मेक का चाहिए और इसमें जिसका फिटमेंट मेरे एचपी कंप्यूटर के साथ हो, यही आइटम चाहिए। तो ऐसे आइटम के लिए हम एक सिंगल टेंडर अपने करते हैं, ठीक है। पीएसी आइटम का था प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। मोस्टली सेफ्टी और वाइटल आइटम के लिए ही ये परचेज कर सकते हैं आप सिंगल टेंडर के थ्रू, ठीक है। आइटम्स एक्सट्रीमली अर्जेंट इंक्लूड्स, और जान रहे सिंगल टेंडर करते समय आपको आपको अर्जेंसी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा और उस आइटम को बताना पड़ेगा भाई ये बहुत अर्जेंट है, इसके बगैर तो काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली अर्जेंट होना चाहिए, वेरी स्मॉल वैल्यू का होना चाहिए, नॉट इकोनॉमिकल फॉर कॉम्पिटिटिव टेंडर। अच्छा अब मान लो एक और दूसरा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आप एक बियरिंग, आपको आपके लोको में कहीं पर एक पर्टिकुलर बियरिंग चाहिए, अब वो बियरिंग तो आपको पता है कि स्पेशल बियरिंग ही होगा, आप लोकल बियरिंग लगा नहीं सकते क्योंकि भाई कहीं पर कुछ भी मिसहैप होता है रेलवे में तो अपनी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए हम पर्टिकुलर मेक लिखते हैं कि भाई मुझे इसी मेक का बियरिंग चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या इशू करते हैं, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है। ध्यान रहे ये बहुत कम, आवाज क्यों लो आ रही है, आवाज कम आ रहा है, बिल्कुल सर आवाज अभी कैसा है, बराबर हमारे यहाँ बराबर आ रही है, ठीक है थोड़ा सा जेबीसी आ रहा है सर, हाँ हाँ आप आवाज एकदम लाउड एंड क्लियर है सर, अच्छा थैंक यू। अरे बीच में ना कई बार बस एक ही इशू है, बैंडविड्थ इशू, और ये आपका माइक चालू है ना, चलो सर बहुत अच्छा, बंद कर लीजिए माइक, चालू बंद कर लीजिए लेंगे तो आवाज की क्लैरिटी बढ़ जाएगी आपके एंड पर, ठीक है। तो ध्यान रहे बहुत कम आइटम अगर परचेज करना है, बहुत अर्जेंट है और फिटमेंट का इशू है, मतलब वो आइटम केवल वही फिट हो सकता है, अभी आप सिंगल टेंडर के थ्रू जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज सिंगल टेंडर अलाउड नहीं, सबसे ज्यादा आपको अगर परचेज करना है तो आपको कोशिश करनी है ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर ज्यादा आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, छोटे मोटे पेटी आइटम्स लेने हैं, पेन पेपर पेंसिल और कुछ लेना है तो आप उसके लिए बुलेटिन के लिए जाएंगे, ठीक है। ओके सिंगल टेंडर में सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, यूजर करता है, ठीक है। यूजर अभी यूजर कौन सर, अपना एसएससी आईजेई या नहीं एसटी, ऑफिसर का पावर होगा, मैं अभी आपको पावर्स भी दिखाऊंगा इसका कितना पावर है सिंगल टेंडर, इवन सिंगल टेंडर में तो आप देखिए आपको दिखाऊंगा मैं पावर, वो मैं सब बताऊंगा अभी सारे वैल्यू कितने, जूनियर स्केल का कितना पावर है, सीनियर स्केल का कितना पावर है, जे ग्रेड का कितना पावर है, एसएजी का कितना पावर, सब बताऊंगा, ठीक है। बस आप अभी वर्ड पकड़ लो पीएसी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। टेंडर इनविटेशन कैसे करते हैं, ठीक है, टेंडर इनवाइट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए पहला पॉइंट है परचेज प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय पीओ परचेज ऑफिसर, ठीक है। परचेज ऑफिसर का मतलब कम से कम ऑफिसर तो होना चाहिए भाई, ठीक है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। परचेज प्रपोजल इज अप्रूव्ड बाय, बनाए कोई भी, बनाए क्लर्क बनाए या ओएस बनाए, लेकिन अप्रूव कौन करेगा, परचेज ऑफिसर करेगा, ठीक है। एंड टेंडर डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड, और पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट, सर आवाज फिर बैठ जाती है आपकी, आवाज बैठ जा रही है, तो ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना, मैं ऑलमोस्ट इसी को रीड कर रहा हूं, दिखाई तो दे रहा है, ओके ठीक है सर, अभी आवाज बराबर आई, आवाज क्लियर है नहीं है अभी क्लियर हुई सर, ठीक है प्लीज थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्या बताएं सब सिस्टम ही ऐसा है, नहीं सर इनके नेटवर्क में तकलीफ है, बाकी हमको क्लियर दिखाई आ रहा, क्लियर सुनाई नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं उम्मीद करता हूं हमको क्लियर सुनाई दे रहा है सर, हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही सुनने में, जब आप ऑफिसर बने तो इस चीज पर ध्यान देना कि बैंडविड्थ और सुधारा जाए,
ठीक है, ऐसी अपेक्षा है। कंप्लेंट आ रही है, उनका इंडिविजुअल कंप्लेंट है, जरा आप एक बार मोबाइल ये आपका सिस्टम बंद करके फिर चालू करें। हाँ तो प्लीज जरा आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है, मोबाइल को आप खुद देखे जो क्या प्रॉब्लम है। हाँ प्लीज जरा इस चीज को फिर से उसको चालू करें, बंद करके चालू करें। हाँ ऐसा कर लीजिए प्लीज, शायद आवाज एकदम क्लियर है, लाउड है, एकदम क्लियर है। थैंक यू प्लीज। हाँ अभी एकदम क्लियर है सर आवाज आपकी। ओके प्लीज। हाँ थैंक यू। ठीक है, इन केस ऑफ ओटी, ओटी का मतलब ओपन टेंडर, हाँ, अ टेंडर नोटिस इज सेंट टू सीपीआरओ, जो सीपीआरओ भी हम बात कर रहे थे ना सेंट्रल, ठीक है, अपने ऑफिसर होते हैं, ठीक है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ओके, तो उनको भेज दिया जाता है, ठीक है, पब्लिकेशन के लिए, और पूरे इंडिया में पब्लिश कर दिया जाता है इस चीज को ओपन टेंडर में। ठीक है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स आर देन सेंट टू द टेंडर सेल सेक्शन। ठीक है, टेंडर सेल सेक्शन होता है ये मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में होता है, हेडक्वार्टर में का सेक्शन है टेंडर सेल सेक्शन। ठीक है, और उसके बाद ये तो हुआ ओपन टेंडर की बात। ठीक है, उसके बाद होती है एलटी और एसएलटी, लिमिटेड टेंडर और स्पेशल लिमिटेड टेंडर। इंक्वायरीज आर सेंट डायरेक्टली, आप जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं उनको आप डायरेक्टली वो इंक्वायरी भेज सकते हैं एसएलटी और एसएलटी के केस में, क्योंकि ओटी के केस में आपको सीपीआरओ साहब के थ्रू पब्लिकेशन में डालना पड़ेगा और पूरे इंडिया में वो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका टेंडर इनविटेशन से रिलेटेड। टेंडर डॉक्यूमेंट पहले तैयार करना है, उसके बाद टेंडर की नोटिस भेजनी है सीपीआरओ साहब को। ठीक है, इन केस इफ इट इज ओपन टेंडर, अदरवाइज अगर एलटी और एसएलटी है तो आप इसकी इंक्वायरी डायरेक्टली भेज सकते हैं। ठीक है, ऑल टेंडर्स हैव ड्यू डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन। एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहाँ से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सभी जो टेंडर्स होते हैं ना उसमें एक ड्यू डेट दिया जाता है और टाइम भी दिया जाता है, एग्जैक्टली डेट और टाइम फॉर सबमिशन की, इस डेट से पहले आपका टेंडर टेंडर बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके, अच्छा, आजकल हम जो सपोज जीईएम से परचेज करते हैं, जीईएम में भी टेंडर टाइम और टेंडर डेट होता है, आपको उस डेट के बियॉन्ड टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको हम डिलेड टेंडर वगैरह नाम देते हैं, और जनरली बहुत मुश्किल, बहुत अगर जरूरत पड़ा तभी हम उसको एंटरटेन करते हैं, अदरवाइज एंटरटेन नहीं करते हैं। तो टाइम और डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें। केस ट्रांसफर टू टेंडर सेक्शन फॉर पीसीएम ऑफिस, और इस तरह के जो केसेस होते हैं उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, जो प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर है उनके ऑफिस में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट एंड टाइम। ठीक है, जो टेंडर है वो ओपन किया जाता है, फिर टेंडर का एक ओपनिंग डेट होता है, उसमें मेंशन किया होता है, उसी डेट को ओपन किया जाता है। ठीक है, इलेबरेट सिस्टम टू इंश्योर दैट ऑल ऑफिसर्स रिसीव्ड आर लिंक्ड टू द रिलेवेंट टेंडर। अब देखो इसमें क्या होता है, टेंडर में मोस्टली इन एक तो स्टोर डिपार्टमेंट होता है, यूजर डिपार्टमेंट को भी बुला लेते हैं कई बार में अगर हाई वैल्यू है तो, और एक पर्सन जो होते हैं वो होते हैं सीनियर एसओ या एसओ अकाउंट से। ठीक है, उनकी प्रेजेंस में टेंडर ओपन किया जाता है। ठीक है, और वहां पर डिसाइड होता है L1 कौन है, L1 का मतलब लोएस्ट वन कौन है। ठीक है, किसका रेट सबसे कम है और उनकी कंडीशंस फिर रेट करी जाती है। ठीक है, ओके, ओटी एंड एसएलटी ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ फर्म रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अगर ओपन टेंडर है एसएलटी और स्पेशल लिमिटेड टेंडर है, ओपन इन प्रेजेंस ऑफ फर्म रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए फर्म के रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया जाता है। ठीक है, बाय द विजिटेड स्टोर ऑफिसर एंड सेक्शन ऑफिसर फ्रॉम द अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो दो ही होते हैं, एक स्टोर डिपार्टमेंट और दूसरा सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स का, और ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए ओपन टेंडर और एसएलटी में हम लोग किसको किसको बुला लेते हैं, फर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुला लेते हैं। उस पर ध्यान रखना, जब फर्म के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं तो उनके साइंस भी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लिमिटेड टेंडर्स आर ओपनड बाय चीफ ओएस ओएस ऑफ स्टोर एंड एसओ फ्रॉम द अकाउंट डिपार्टमेंट। सीनियर सेक्शन ऑफिसर होते हैं, ठीक है, या सेक्शन ऑफिसर होते हैं अकाउंट्स के, और स्टोर के ओएस या चीफ ओएस होते हैं। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए। ठीक है, ओके, जो लिमिटेड टेंडर होता है उसमें हम फर्म के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं अलाउ करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, जरा ध्यान रखना, ये स्पेशल डिफरेंसेस हैं और इन्हीं पर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओपन टेंडर एसएलटी में हम बुलाते हैं, और अगर एलटी है तो नहीं बुलाते हैं, किसको, फर्म के रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, टेंडर ओपनिंग अभी कंटिन्यू है, ऑल पेजेस ऑफ ऑल ऑफर्स आर साइंड। सभी पेज जो है टेंडर के, टेंडर डॉक्यूमेंट के सभी पेज को साइन करना जरूरी होता है। ऑल फाइनेंशियल टर्म्स आर एनसर्कल्ड एंड इनिशियल। ठीक है,
जैसे कहीं पर रुपया लिखा है कि इस रेट से, या कहीं पर टोटल वैल्यू लिखा है, तो जहां पर इस तरह के पैसे से रिलेटेड उसको लाल पेन से आप सर्कल करते हैं और साइन इनिशियल करते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये जब आप ऑफिसर बनोगे ना तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है। ओवर राइटिंग आर अटेस्टेड, अगर कहीं पर ओवर राइटिंग है तो उसको अटेस्ट किया जाता है, ठीक है। ओके, ओवर राइटिंग वगैरह चलता नहीं है जनरली, ठीक है। ऑफर्स ऑफर्स टेंडर केसेस विद ऑफर्स आर ट्रांसफर्ड टू पीओ, ठीक है, पीओज, ठीक है। द केसेस वेयर लोएस्ट टेंडर वैल्यू इज एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया, मान लो आपने ओपन टेंडर को किया, ओपन टेंडर था, ओपन किया और पता चला रेट आपको क्या, ओपन टेंडर में क्या कंडीशन है, 25 लाख से ज्यादा। लेकिन अगर टेंडर ओपन करते ही आपको पता चला कि भाई रेट जो मिनिमम आया ना वो 50 लाख आया, ठीक है, तो अगर 50 लाख से ज्यादा हो गया तब आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है, और उसको आपको अकाउंट से या फाइनेंस डिपार्टमेंट से वेट कराना है कि भाई इसका जो केस आया है वो मिनिमम वैल्यू कितना आया है, 50 लाख से ज्यादा का है, ठीक है। और ध्यान रहे, जैसे ही आपका ओपन टेंडर 50 लाख से ज्यादा हुआ, ठीक है, वो हम फिर ओपन टेंडर से उसको डील नहीं करते हैं, हम उसको टीसी के लिए भेज देते हैं। टीसी स्टैंड्स फॉर टेंडर कमेटी, वर्ड याद रखना, टेंडर कमेटी आगे आएगा ये, ठीक है। टेंडर कमेटी में, टेंडर कमेटी कैसे बनती है, कितने ऑफिसर्स होते हैं, किसके क्या पावर्स हैं, वो आगे देखेंगे। तो अभी आपके लिए कॉइन टर्म है टेंडर कमेटी, ठीक है। टेंडर कमेटी में जो केस जाता है वो एसओपी से, मैंने ये वैल्यू लिया है 50 लाख से ज्यादा के केसेस जो होते हैं उनको प्रेफरेबली का मतलब गारंटी, मतलब बिल्कुल कंफर्म है कि आपको टीसी ही बनाना पड़ेगा। टीसी स्टैंड्स फॉर टेंडर कमेटी, 50 लाख से ज्यादा टेंडर कमेटी, 50 लाख से और 25 लाख के बीच में ओपन टेंडर, 25 से कम लिमिटेड, ठीक है। ये वैल्यूज जरा याद रखना, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब टेंडर को फाइनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना है डिपेंड्स ऑन ऑफिसर, ठीक है, क्या क्या कंडीशन है। अगर आपके कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए फिर आगे देखते हैं। इफ द वैल्यू इज लेस देन 50 लाख, डायरेक्ट डिसीजन बाय द परचेज ऑफिसर, ठीक है, उसमें कौन डिसीजन लेता है, जो भी परचेज ऑफिसर है, ठीक है। If more, अगर ज्यादा है 50 लाख से, the case to be dealt by TC, TC stands for tender committee consisting of 3 officers, उसमें जो tender committee बनती है उसमें 3 officers होते हैं, ठीक है। आगे अगला point है, ये आपके लिए take away है, tender committee should invariably, मतलब आपको उसमें कोई choice नहीं है, tender committees should invariably be constituted to deal with tenders over 50 lakhs, ध्यान रखना 50 लाख से ऊपर हुआ अगर आपका ओपन टेंडर। अच्छा, अगर इनिशियली आपको पता है कि इसकी वैल्यू 50 लाख है तो आप उसको इसके लिए ओपन टेंडर पे जाते ही नहीं हो, उसके लिए तो आप टीसी बना ही देते हो फर्स्ट, ठीक है। लेकिन बाय द वे, इन केस अगर आपने आपने सोचा कि नहीं इसका 48 लाख आएगा, ठीक है, और 48 सोच के चल रहे हैं और सभी जो लोएस्ट आया ना वो भी 50 लाख से ऊपर आया, तो आपको उसको पूरा कंपैरेटिव बना के और उसको टेंडर और वेटिंग करा के टेंडर कमेटी को भेज देना है, मतलब वो टेंडर कमेटी के थ्रू ही डील होगा अगर 50 लाख से ज्यादा वैल्यू का टेंडर है तो, ठीक है। ओके, द लोएस्ट टेंडर वैल्यू इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ध्यान रहे, अब कोई पूछता है कि रेट आया या टोटल वैल्यू आया, तो भाई सीधी सी बात है, टैक्सेस ड्यूटीज सब इंक्लूड करके अगर 50 लाख से ऊपर हो गया, एक भी रुपया ऊपर हो गया ना, तो यू हैव टू ऑफर it to the tender committee, ठीक है। तो ये जरा जो barriers है ना 25 लाख 50 लाख, ये बड़ा important है, ठीक है, तो इसको आप जरा याद रखिएगा। अगला point है, officers from store and user department, ठीक है, कौन कौन से, store से होंगे, user department से होंगे, ठीक है, इसमें किसमें, टेंडर कमेटी में, ठीक है, आर सीनियर स्केल ऑफिसर, सभी सीनियर स्केल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ठीक है, मिनिमम लेवल, और उसके बाद मिनिमम लेवल की टेंडर कमेटी के लिए मैं आपको पावर्स दिखाऊंगा किसके क्या पावर्स हैं टेंडर कमेटी अगर आप फॉर्म करते हो तो, ठीक है। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होगा, एक स्टेज हायर होते हैं वो अभी अपने बात करेंगे, ठीक है। टीसी टेंडर कमेटी इज रेकमेंडिंग बॉडी, ठीक है, टीसी जो है वो किसी रेट को रेकमेंड करते हैं, ठीक है,
its recommendations are to be considered by an accepting authority. तो EC के जो members होते हैं, तीन member होंगे, एक account से होगा, एक store से होगा, एक user department से होगा, ठीक है? अब उस TC जब open हुआ, tender committee ने open किया कोई case, TC case को open किया, तो अगर जो value आई, suppose उन्होंने बोला भाई ये L1 है, SEC condition, वो उस चीज को accept नहीं कर सकते, क्योंकि तीन member की जो committee हो, खाली recommendation के लिए होती है. कि हम इसको चाहते हैं. वो उसके बाद फर्दर पुट अप होता है एक स्टेज हायर ऑफिसर पर, ठीक है? और वो मोस्टली स्टोर के होते हैं, ठीक है? और वो स्टोर ऑफिसर जो है एक ग्रेड ऊपर होते हैं और वो उसको उस टेंडर कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं, देन वो फाइनलाइज होता है कि भाई इस अमुक को ही ये टेंडर जाएगा. बराबर समझ आ गया? तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी इज वन स्टेज अप ऑफिसर, ठीक है? जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. गाइडलाइंस फॉर द टेंडर कमेटी, कुछ गाइडलाइंस हैं. कमेटी टू बी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, आपको इसको एसओपी, ठीक है, शेड्यूल ऑफ पावर देख के कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. कितने वैल्यू का टेंडर है उसके हिसाब से कमेटी फॉर्म होगी, ठीक है? लोएस्ट टेंडर वैल्यू इज द क्राइटेरिया फॉर लेवल ऑफ ईसी. ध्यान रहे, रेलवे में ही रूल चलता है कि भाई सबसे कम पैसा किससे अपना कौन से कंपनी ने सबसे लोएस्ट रेट डाला है उसको पहले पकड़ते हैं, ठीक है? तो टेंडर कमेटी केस में जो हमारा जो क्राइटेरिया फॉर सर्च होता है पैसा, ठीक है? सबसे जो कम वैल्यू का ऑफर किया है वही हम लेंगे, ठीक है? टेंडर कमेटी में हैव ट्रांसफर द केस टू द हायर लेवल टीसी, ठीक है? अगर मान लीजिए टेंडर कमेटी कई बार सही उस एक लेवल के रेट से नहीं आ रहा है तो उसको हायर लेवल के टीसी में कन्वर्ट कर देते हैं. जस्ट फॉर नॉलेज है, ठीक है? Dropping of purchase is also to be considered by tender committee, ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि समय निकल जाता है कि हम बोल रहे थे भैया नहीं खरीदो तो ज्यादा अच्छा है, चल जाएगा, काम चल जाएगा, तो वो पावर भी टेंडर कमेटी के पास है. वो टेंडर कमेटी उस ऑफर को, मतलब उस परचेज को ड्रॉप कर सकती है, ठीक है, कि जरूरत है या नहीं है, ठीक है? स्टोर मेंबर्स इज द कन्वीनर ऑफ टेंडर कमेटी. ये ध्यान रखना एक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि टेंडर कमेटी में कन्वीनर कौन होता है, ठीक है? तो कन्वीनर होते हैं स्टोर मेंबर, ठीक है? Who puts up the case for to the competent authority? और उसका वो convener जो होते हैं वही उन्हीं के साइन से accepting. नहीं, वो मैं दिखाता हूँ उसमें कैसे. अभी इनको उसमें SOP में है कि convener जो होंगे वो swap हो जाएंगे आपके department से. एक अभी आपको दिखाता हूँ SOP में क्या एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन स्टोर का एक मेंबर होगा ये कंफर्म फॉर श्योर, ठीक है? तो ठीक है, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. तो ये गाइडलाइन हुआ टेंडर कमेटी से रिलेटेड, ठीक है? अब इसमें ना टेंडर कमेटी का एक मैंने जो अभी बात कर रहे थे कि कैसे फॉर्म होता है, तो उसमें है, देखिए एक कंपैरेटिव यहां पर है. टीसी लेवल विद रिवाइज्ड वैल्यू लिमिट कंपटीशन फॉर टेंडर कमेटी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ठीक है? जरा देखिएगा पहला जो केस है, अगर टीसी आपका सीनियर स्केल है, सीनियर स्केल समझ गए, सीनियर स्केल में आपके डीएसटी वगैरह आएंगे, ठीक है? ठीक है, उनके लेवल का अगर है तो टेंडर कमेटी में, हाँ, इनको जो पावर है ये 50, आज के डेट में 50 लाख से और 1 करोड़ का पावर है, ठीक है? अगर 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू का टेंडर है, 50 से 1 करोड़ के बीच में जो टेंडर कमेटी फॉर्म होगी वो सीनियर स्केल टेंडर कमेटी होगी, ठीक है? इसमें दो मेंबर्स होंगे, SMM या DMM होंगे, कन्वीनर होंगे, और दूसरा जो है वो सीनियर स्केल लेवल अकाउंट डिपार्टमेंट के सीनियर स्केल लेवल के ऑफिसर होंगे, ठीक है? To be specified as senior AFA of headquarter, DFM of division and, ठीक है, workshop है तो वहां के, ठीक है, workshop account officer होंगे, ठीक है? और accepting कौन? Accepting authority, जैसे देखो committee तो form होगी, SMM हो गए और account officer हो गए, ठीक है? और एक आपके user department के हो गए, ठीक है? अब तीसरा जो है, अच्छा ध्यान रहिए इसमें ना, जब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 2 member TC होती है, तीन मेंबर की टीसी नहीं होती है, ठीक है? इसलिए इसमें यूजर डिपार्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं. फिर से वैल्यू ध्यान रखिएगा, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो टीसी होती है उसमें केवल 2 मेंबर की टीसी होती है, एक तो
स्टोर होता है और दूसरा कौन होता है अकाउंट्स, और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होती है, कौन होते हैं एक स्टेज हायर, दैट इज डिप्टी सीएम ऑफ हेडक्वार्टर, ठीक है, या सीनियर डीएम फ्रॉम डिविजन्स, ठीक है। आगे सेकंड पॉइंट है, जब टेंडर कमेटी जे ग्रेड की होती है, मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का अगर वैल्यू है, ठीक है, तो उस केस में जो कन्वीनर है, अब एक पॉइंट है यहाँ पर, जरा देखिएगा, हाँ मैं सेकंड पढ़ रहा हूँ, डिप्टी सीएम या सीनियर डीएम कन्वीनर होते हैं और स्टार लगा हुआ है, जरा ध्यान से समझिए, स्टार लगा हुआ है। दूसरे कौन होते हैं, ये 3 मेंबर की टेंडर कमेटी है, जे ग्रेड एसजी ऑफिसर फ्रॉम इंडेंटिंग, जो भी इंडेंटिंग डिपार्टमेंट है वहां से होते हैं, ठीक है, जे ग्रेड ऑफिसर, इसमें भी एक एस्ट्रिक मार्क है, इसको जरा देखिएगा, ठीक है। तीसरा, जे ग्रेड या एसजी होते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट के, ठीक है, ख्याल आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, वेयर जे ग्रेड इज नॉट अवेलेबल, तो एसएस सीनियर स्केल उसको कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार में है डिप्टी सी फॉर ट्रैक आइटम, अब अगर मान लीजिए ट्रैक आइटम है, ट्रैक आइटम मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड आइटम है, तो उसमें जो कन्वीनर होंगे वो डिप्टी सी होंगे, ठीक है, ओके, देखिएगा, ठीक है, यूजर डिपार्टमेंट, ओके। और इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, हेडक्वार्टर में सीएमएम कर सकते हैं, सीडब्ल्यूएम कर सकते हैं, और या एडीआरएम कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने का पावर किसके पास है, इस टीसी को एक्सेप्ट कौन करेंगे, सीडब्ल्यूएम कर सकते हैं, सीएमएम कर सकते हैं, या एडीआरएम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली जो टेंडर कमेटी है वो एसएजी लेवल की है, जिसमें 10 करोड़ से 200 करोड़ रुपए का अगर टेंडर है, तो आप जो टेंडर कमेटी फॉर्म होगी वो एसएजी लेवल की होगी, इसमें कन्वीनर कौन होंगे, सीएमएम होंगे, एसएजी ऑफ इंडेंटिंग ऑफिसर होंगे, और एसएजी अकाउंट ऑफिसर होंगे, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर ट्रैक से रिलेटेड आइटम है, ठीक है, तो कन्वीनर चेंज हो जाएंगे, ठीक है, कन्वीनर आपके सी ट्रैक हो जाएंगे, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करने का जो पावर है वो पीसीएमएम को है, ठीक है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होंगे, पीसीएमएम। अगली जो टेंडर कमेटी है, अगर 200 करोड़ से 500 करोड़ के बीच का है, बहुत पैसा हो गया भाई, ठीक है, तो इसमें कन्वीनर है पीसीएमएम, ठीक है, और दूसरे मेंबर होंगे पीएचओडी या सीएचओडी होंगे इंडेंटिंग डिपार्टमेंट के, और तीसरे अकाउंट डिपार्टमेंट के पीएचओडी या सीएचओडी होंगे। शर्त वही रहेगी कि अगर इसमें कन्वीनर जो है, अगर ट्रैक आइटम है, ठीक है, तो पीसी इसके कन्वीनर होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कौन करेंगे, एजीएम करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये पूरा आपका है 500 करोड़ तक का टेंडर कमेटी का हिसाब किताब, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, एक बार आप जरा एक मिनट के लिए पॉज लेके इसको जरा रिव्यू कर लीजिए, इसमें कोई डाउट हो, क्योंकि इसमें से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, एक मिनट का आपको जस्ट टाइम है, प्लीज। चले आगे चले, चलिए आगे चलते हैं प्लीज। हाँ जल्दी से देखते हैं टीसी की प्रोसीडिंग क्या होती है, साइंड बाय ऑल 3 मेंबर्स, एनी चेंज टू बी डन विद द कांस्टेंट कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ टीसी, अगर कुछ चेंज करना है तो वो सभी की सहमति होनी चाहिए। द पॉइंट इंक्लूडेड इन टीसी प्रोसीडिंग्स आर डिमांड नंबर एंड डेट, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स है वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन क्वांटिटीज वो सारी आपकी अच्छे से चेक होनी चाहिए, ठीक है। अथॉरिटीज फॉर इशू ऑफ टेंडर एंड नंबर ऑफ टेंडर्स इशू, ठीक है, डेट ऑफ ओपनिंग एंड नंबर ऑफ ऑफर रिसीव्ड, ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन हो चाहिए, डिटेल ऑफ टेक्निकल कमेंट्स, ठीक है, वो सारे के टीसी मेंबर्स अपने जो टेक्निकल कमेंट्स हैं वो देते हैं उसका, ठीक है। अभी उसके बाद में टीसी में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एलपीआर, लास्ट परचेज रेट को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, लास्ट परचेज रेट उस आइटम का, उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन का कब हुआ था, किस रेट में हुआ था, ठीक है, वो बहुत उसके आस पास ही आप अपने नया रेट एक्सेप्ट करते हैं, अगर कोई और बहुत इंपॉर्टेंट कारण नहीं है तो, ठीक है, ओके। एंड डिटेल ऑफ पीओ परचेज ऑर्डर, उस एलपीआर का लास्ट परचेज रेट का जो पीओ है, परचेज ऑर्डर है, वो भी हम साथ में रखते हैं फॉर द रेफरेंस। डिस्कशन ऑफ ऑफर्स अंडर द जोन ऑफ कंसीडरेशन, ठीक है,
रीजनेबलनेस ऑफ रेट्स, रेट जो है वो बहुत रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर स्प्लिटिंग विद रेट डिफरेंस, ये अलग चीज है, इसको मतलब रेट स्प्लिटिंग वगैरह ये अलग चीज हो जाती है, ठीक है। इसको आप नहीं भी रखेंगे ध्यान में तो चलेगा। और लास्ट में समरी बनती है, समरी ऑफ प्रेजेंटेशंस। सर आपके जो पास पर बैठे हुए हैं प्लीज थोड़ा साइलेंट करवाइए ना उनको। हाँ 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 ठीक है ठीक है, अभी ठीक है, अभी आवाज सही आ रही, अभी सर। हाँ जी हाँ जी ठीक है। अब है रिकमेंडेड टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जल्दी से आप पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं। डिलीवरी टर्म्स है, डिलीवरी शेड्यूल है, पेमेंट टर्म्स है, इंस्पेक्शन क्लॉज है, ठीक है। और उसमें दो तीन चीजें और जल्दी से देख लेते हैं। रेट इंक्लूडेड, ठीक है। ईडी क्या है, अड्रेस डिपॉजिट क्या है, जीएसटी क्या है, ठीक है। डिस्काउंट एंड फ्रेट्स क्या होंगे, एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो वो सारी चीजें डिटेल में वहां मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर जीएसटी में कोई वेरिएशन आता है, ठीक है, तो उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो भी आपको क्लॉज मेंशन करना पड़ेगा जीएसटी और ईडी में, अर्नेस डिपॉजिट में, ठीक है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। पीवीसी, पीवीसी का मतलब होता है प्राइस वेरिएशन क्लॉज, ये नोट कर लीजिएगा फुल फॉर्म इसका, पीवीसी, पाइप नहीं है, ठीक है, प्राइस वेरिएशन क्लॉज, ठीक है, वो आपको ऐड करना पड़ेगा कि अगर इन फ्यूचर डिलीवरी के टाइम में कहीं पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम अगर लगता है कि भाई रेट ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल के रेट जो उस मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल अगर उसके बहुत ज्यादा रेट बढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस वेरिएशन क्लॉज ऐड करना होता है, ठीक है। उसको प्रॉपर फॉर्मुलेट करना होता है कि सपोज रॉ मटेरियल मान लो स्टील है, स्टील का रेट ये बढ़ेगा तो प्रोडक्ट के प्राइस पर ये फर्क पड़ेगा, लाइक दैट। हाँ, तो वो सब सारी चीजें मेंशन की जाती हैं डीसी के साथ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कौन से इसके भाई आप इसको देख लेना, इसमें मैं मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सबसे नीचे एक लिखा है आईआरएस कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये आईआरएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स, ठीक है। रेलवे ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि भाई इसी मानक के आधार पर ये आप परचेज करोगे, आईआरएस कंडीशन आपको लास्ट में मेंशन करना ही करना होता है, ठीक है। उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पर ही सब चीजें गवर्न होती, तो आईआरएस कंडीशन जरूर टीसी केस में फाइल में मेंशन करना होता है, अटैच करना होता है, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं कि ऑफर्स फ्रॉम अनट्राइड फर्म्स, ठीक है, देखिए जरा इसमें होता है ईएमडी, ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, एसडी सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैंकर्स पर्टिकुलर परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, ये सब आपको मेक श्योर करना होता है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट एंड टेक्निकल पर्सनल अगर मान लीजिए कहीं पर सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना होगा, ठीक है। इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश द अबव देयर नोट, ठीक है, फर्निश द अबव देयर ऑफर बिल, अगर कोई कंडीशन इसमें फर्निश नहीं कोई करता है, ठीक है, मेंशन नहीं किया हुआ है, तो नेचुरल सी बात है आप उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। Else verified the capacity cum compatibility. अगर मान लीजिए कोई फर्म है, बहुत छोटी फर्म है और वो बहुत बड़ा ऑफर ले रही है, तो उसमें भी आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि इसको दें या ना दें, ठीक है, ठीक है। इसमें शुरू में जो ऑर्डर होते हैं, शुरू के जो 20% होते हैं, उस पर आप उसको ट्राई करते हो, ट्रायल ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर 20% उसने अच्छे से सप्लाई कर दिया ना, तो बाकी भी अच्छे से सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ट्रायल ऑर्डर फेल्स, ठीक है, कवर द क्वांटिटी ऑन रेगुलर ऑर्डर अगेंस्ट ऑप्शन क्लॉज, ठीक है। अगर ट्रायल ऑर्डर भी फेल हो जाता है तो फिर उसको अलग तरह से डील करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें जरा जल्दी से देख लेते हैं। L1 होता है जो लोएस्ट, अगर आपके टेंडर में L1 का मतलब जो लोएस्ट जिसने कोट किया है, ठीक है, और अगर उसको आप उसकी कोटेड डीपी अनसुटेबल हो गई, अगर वो डिलीवरी पीरियड है आपने जो बताया उससे ज्यादा उसने डीपी मांग लिया, डिलीवरी डीपी स्टैंड्स फॉर डिलीवरी पीरियड, ठीक है, तो हम फिर बाईपास करेंगे, ठीक है, ओके। और बहुत सारी चीजें हैं, देखिए चेक पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिटिंग, ठीक है, हायर लेवल की चीज है, इसको छोड़ सकते हैं। टाइम इज सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम पर आपको डिलीवरी नहीं मिल पाती है तो उसके लिए आप कठोर से कठोर कदम आप उठा सकते हैं, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है।
बस इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि लेट ऑर्डर और डिलेड ऑफर, लेट ऑफर और डिलेड ऑफर क्या होता है, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इन एक्सेप्शनल केसेस विद बोर्ड्स अप्रूवल, ठीक है, डिलेड ऑफर क्या होता है, जो टेंडर बॉक्स के बंद होने से पहले जो के बाद जो ऑफर आता है उसको हम डिलेड ऑफर बोलते हैं, ठीक है। और टेंडर ओपनिंग शुरू हुआ, ध्यान से सुनिएगा, टेंडर ओपन होना शुरू हुआ उस समय कोई ऑफर आता है तो उसको हम लेट ऑफर बोलते हैं और उसको हम रख लेते हैं, उसको भगाते नहीं है, उसको रख लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इन एक्सेप्शनल केसेस विद बोर्ड अप्रूवल लेट और डिलेड ऑफर को भी हम एंटरटेन कर सकते हैं। किसमें? इसको रिपीट करिए ना, फिर से अगेन रिपीट करिए सर, लेट डिलेड को। हाँ, डिलेड ऑफर वो ऑफर होते हैं कि टेंडर बॉक्स को बंद करने का टाइम होता है, ठीक है, टेंडर बॉक्स बंद हो जाएगा इतने बजे, ठीक है, उसके बाद जो ऑफर आता है तो उसको आप डिलेड ऑफर के करके उसको एक्सेप्ट रख लेते हैं, लेकिन बॉक्स में नहीं रखते हैं, उसको अलग से रखते हैं आप, ठीक है। डिलेड ऑफर समझ में आ गया? हेलो, यस सर। हाँ, और टेंडर ओपन होने के समय, ड्यूरिंग द टेंडर ओपनिंग अगर कोई ऑफर आ जाता है, कोई लेट लकी पहुंचा, तो उसको हम लेट ऑफर कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये दोनों ऑफर हम उस पर मेंशन कर देते हैं कि ये डिलेड ऑफर वन, डिलेड ऑफर टू, डिलेड ऑफर थ्री, लेट ऑफर वन, लेट ऑफर टू, लेट ऑफर थ्री, ठीक है, रख लेते हैं। अगर हमारा जो नॉर्मल कोर्स में टेंडर ओपनिंग हुआ, अगर उसमें सक्सेस मिल गया, आपको LPR के लास्ट परचेज रेट के आसपास कोई रेट आ गया और आपको लगता है कि जेन्युइन है, तो डिलेड और लेट को हम बाईपास कर देंगे। यदि उसमें हम सक्सेस नहीं मिलता है तो हम ओपन लेट और डिलेड को भी ओपन करते हैं, लेकिन उसके लिए बोर्ड का अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। क्यों एंटरटेन करते हैं? हम भगा भी सकते थे भाई, लेट को लाए, डिले क्यों किया, लेकिन कॉम्पिटिशन को बनाए रखने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि किसी कारण बस, ठीक है, लेट हो गया हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम एंटरटेन नहीं भी करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इसके प्रॉज एंड कॉन्स देखने पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बिहा पर आप उसको एंटरटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, विद परमिशन ऑफ बोर्ड, ठीक है, बस इतना ही। अब प्लेसमेंट ऑफ पीओ इज वेरी इजी, ये पोर्शन मैं आई एम जस्ट स्किपिंग इट, ठीक है, इसमें कुछ कुछ खास है नहीं, आप इसको अपने हिसाब से फोटो लेना हो तो फोटो ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब ये जो परचेज ऑर्डर मॉडिफिकेशन, जो फाइनल ऑर्डर बन गया, परचेज ऑर्डर किसी फर्म को नॉमिनेट कर दिया गया भाई कि ये परचेज ऑर्डर अमुक फर्म को जाता है, ठीक है, तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, तो उससे रिलेटेड है कि अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन आपको करना है तो फाइनेंस कॉन्करेंस की जरूरत है, विदाउट फाइनेंस कॉन्करेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बस इसमें इतना ही है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अगर डिले इन सप्लाई है तो क्या करोगे, डीपी एक्सपायर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, फर्दर एक्सटेंशन इन द डीडी विल म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो म्यूचुअल कंसेंट से उसको फर्ज उसको डीपी को, डीडी नहीं है डीपी है, ठीक है, डीपी को एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। अब उसमें कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, राइट टू रिकवर एलडी, एलडी याद रखना एक वर्ड है, लिक्विडेटेड एमरेज, हम उसको उस पर चार्ज करते हैं, लेवी करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या होता है एलडी, लिक्विडेटेड डैमरेज, और एलडी कितना होना चाहिए, ऑर्डर वैल्यू का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एट द मोस्ट 10%, ठीक है, एट द मोस्ट 10% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। भाई डिले ने गलती तो किया है, क्योंकि तो आपका काम सफर हुआ है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी के यहाँ पर आप एलडी उस पर अगर वो एग्री है मतलब सप्लाई देने के लिए, तो आप उसको बोलते हो भैया एलडी एलडी तो लगेगा, ठीक है, और एलडी की वैल्यू 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये बोला जाएगा भैया आप उसको अनप्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। और एनी लॉस और इनकन्वीनियंस सफर बाय रेलवे ड्यू टू डिले इन सप्लाई, ठीक है, हम एलडी चार्ज करते हैं, ध्यान रखना एलडी कब चार्ज करते हैं, ठीक है, जब आपका समय तय समय सीमा के अंदर अगर सप्लाई आपको नहीं मिला है और आपकी जरूरत है, आप चाहते हो कि भाई सप्लाई दे, तो उसको बोलो भाई आपको एलडी देना पड़ेगा, ठीक है, एलडी क्या होगी 10% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क परचेज से रिलेटेड, ठीक है, रिस्क परचेज क्या होता है,
अगर आप कोई फर्म है जो L1 थी, अगर वो L1 फेल हो गई, आपको सप्लाई नहीं कर पाई, ठीक है, तो परचेज फ्रॉम अल्टरनेटिव सोर्स एट रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ डिफॉल्टिंग सप्लायर की जाती है, ठीक है। रिस्क परचेज क्या होता है कि व्हेन द परचेज इज मेड इफ द L1 जिसको ऑर्डर गया था वो फेल हो गया सप्लाई करने में, ठीक है, तो क्या करोगे आप, ये इसका पीरियड होता है 6 to 9 months में, आप आरपी रिस्क परचेज इनिशिएट कर सकते हैं, रादर इनिशिएट नहीं क्लोज करना होता है, आप उसको एक लेटर भेज दो, भैया आप फेल हो गए, आपके बिहाफ पर मैं रिस्क परचेज करने जा रहा हूँ, रेलवे को बहुत लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए रिस्क परचेज होता है, रिस्क परचेज फ्रॉम अल्टरनेटिव सोर्स एट रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट है कॉस्ट, आप कॉस्ट ऑफ द डिफॉल्टिंग सप्लायर। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने मान लो 400 रुपए का, 400 रुपए पर यूनिट कोई ऑफर दिया था L1 को और वो फेल हो गया, अब मान लो आपने रिस्क परचेज किया किसी से 450 का रेट रिस्क परचेज पर हुआ, ठीक है, तो जो 50 रुपए पर पीस है ना वो आप रिकवर करोगे किससे, L1 से, ठीक है, तो इसीलिए परचेज फ्रॉम अल्टरनेटिव सोर्स एट रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ द डिफॉल्टिंग सप्लायर इफ हायर प्राइस पेड कवर्ड फ्रॉम द डिफॉल्टर, ठीक है, तो रिस्क परचेज ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज रिस्क परचेज, गिव अपॉर्चुनिटी टू डिफॉल्टर टू मिनिमाइज हिज लॉस, ठीक है, हम क्या करते हैं डिफॉल्टर को भी कई बार ना कि कहते हैं भाई ये काम करो, हमने 1000 यूनिट मांगा था, 400 यूनिट तुम दे दो, 600 हम दूसरे से ले लेते हैं, तो उसका थोड़ा लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है, ओके, इंश्योर दैट आरपी इज टेनेबल, ठीक है, ये जो रिस्क परचेज है ये वैसा ना हो कि बहुत 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 खतरनाक कर दो, इसको फाइनलाइज कर देना है कितने महीने, 6 से 9 महीने के अंदर, ठीक है, तो रिस्क परचेज समझ में आया, यस सर। अब बी केयरफुल, ये बी केयरफुल अबाउट को जरा आप पढ़ लीजिए, आप सभी लोग पढ़ लें, 6 पॉइंट बी केयरफुल अबाउट, मैं इसको स्पीक नहीं करूंगा, आपको एक बार पढ़ना है प्लीज, जैसे कोई रेलवे है जैसे डीआरडीओ है और डीआरडीएल जो है ना, डीआरडीएल उसकी सिस्टर कंसर्न है, उसकी पेरेंट ब्रांच जो है जैसे आईओसी अपना ओएनजीसी है ना, ओएनजीसी एक पेरेंट कंपनी है, एक ओबीएल है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसकी सिस्टर कंसर्न है, मतलब सारा जो हेड है वही है, लेकिन रेलवे के साथ ही आईएल, हाँ ये सब सिस्टर कंसर्न, सिस्टर कंसर्न आप मुझे भी कोटेशन दोगे, उसको भी दोगे और दोनों एक ही काम कर रहे हैं, इसमें क्या होता है सीधे जो परचेज का कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी उसका उल्लंघन हो जाता है उसमें, कुछ इसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर कंसर्न से इसलिए कोई मतलब नहीं लेने का, सेम ही है एज इट इज, अब एक ही चीज आप ओएनजीसी को दे रहे हैं ऑफर और ओवीएल को भी दे रहे हैं, तो मतलब वो तो पता कैसे चलेगा, बिल्कुल इसके लिए, हाँ इसके लिए जैसे हमारे हेडक्वार्टर में ना एक एक डिप्टी सीएम इसके लिए डेप्यूटेड है, ये पूरा मार्केट की स्टडी करेंगे, अनसॉलिसिटेड कोई आता है तो उसको पूरा चेक करना, उसमें तो क्या रेलवे वाले ना सही तरीका बताऊं कि तो ऑफिशियल लैंग्वेज है कि नहीं करना चाहिए, रेलवे वाले तो ढूंढते हैं सिस्टर कंसर्न मिले, अरे करते ना, अभी मैंने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया पस्ती का, मैंने एक एक ही से मैंने भाई यार कहां मैं ढूंढने जाऊंगा, तुम दे दो तीन, सही है
बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी। हाँ जी चले आगे। आवाज तो आ रही है, आपस में बात करो आवाज। अरे वो थोड़ा आपको भी मतलब थोड़ा क्लैरिटी हो जाए चीजों के लिए, इसके लिए था। तो एक पीपीटी आपका खत्म हुआ है, ये आपने अभी जल्दी से बता दीजिए क्या क्या सीखा, बताइए मत, आप अपने आप अंदर ही रिकंसाइल कर लीजिए आपने क्या क्या सीखा। इसमें एक मिनट का मौन रख के आप सोच लीजिए आपने क्या क्या सीखा जल्दी से। आप हाँ बोलोगे तभी दूसरी पीपीटी आएगी। हाँ जी बताएं, ठीक है जी, ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग थोड़ा स्ट्रेटजिक प्लानिंग करेंगे, बस टाइम थोड़ा शॉर्ट है, ये काफी लंबा पीपीटी है, तो हम सबसे पहले लास्ट में चले जाते हैं, कुछ फुल फॉर्म्स देख लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी और इसलिए भी ज्यादा जरूरी है ना। सबसे पहले थैंक्स से शुरू करते हैं, थैंक्स मैं आपको अभी दे देता हूँ। उसके पहले ये कुछ एब्रीविएशंस हैं, ये आप स्टोर अगर डील करते हैं तो इन एब्रीविएशंस के थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और काफी एब्रीविएशंस आपके एग्जाम से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार जल्दी से देख लीजिए, आईएसओ क्या है, आईएसओ क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। बीआईएस क्या है, बिस के मानक भी हम लोग यूज करते हैं रेलवे में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब स्टैंडर्ड मत लिख देना, स्टैंडर्ड्स है तो स्टैंडर्ड्स ही लिखना, ठीक है। क्यूएपी क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। सीईडी क्या है, चीफ, ये सीईडी बहुत आजकल इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा टाइम चल रहा है इसलिए सीईडी के बारे में पूछ सकते हैं, चीफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, ठीक है। डीक्यूए क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इसको आप जरा क्लिक कर लेना, लिख लेना, फोटो ले लेना। सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आप कुछ भी, कई बार क्या होता है कोई फर्म है, आजकल सीपीसीबी आपको लेना पड़ता है भैया, अगर कुछ आपको जैसे रबर से रिलेटेड कोई फंक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप सप्लाई अगर रेलवे में कुछ करने जा रहे हैं तो आप अपना सीपीसीबी सर्टिफिकेट दें, ठीक है। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। पुराना माल जो है वो पहले आप कंज्यूम करेंगे, नया माल आया है उसको बाद में करेंगे, अदरवाइज चीजें कई बार, ठीक है, अपने लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। लॉ क्या होता है, लॉ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे वर्क होते हैं जो अप्रूव होते हैं, वो पिंक लिस्ट में होते हैं, ठीक है, उसको लॉ बोलते हैं, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड वर्क, ठीक है। जीएसएम क्या है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये जीएसएम जो है ना, ये जब हम लोग खासकर बहुत सारी चीजों में ये आपको एक स्क्वायर मीटर में कितना ग्राम उसका होता है, जैसे मान लो हम कुछ टॉवल खरीद रहे हैं, टर्कीज खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, लिनन खरीद रहे हैं, तो उसमें ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ओके, TQM क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। ASRS क्या है, ये आजकल स्टोर मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करने के लिए एक मुहिम चला हुआ है, ASRS
इंस्टॉल कर रहे हैं, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम, याद रखना एसआरएस का फुल फॉर्म है। एनएसआईसी का है क्या है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ठीक है, एनएसआईसी, ठीक है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आइटम्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि आपको एनएसआईसी से ही खरीदना है, ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स है ना, अपने को रेलवे को मजबूत करती भाई कि हमें हर तरह के फर्म को प्रमोट करना है, तो इसीलिए रेलवे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर उनको आप ऊपर लाना चाहते हैं तो एनएसआईसी के थ्रू आप खरीदेंगे। आईआरएस क्या है, वही अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, रेलवे ने कुछ स्टैंडर्डाइजेशन बनाए हुए हैं, उसके उसको फॉलो करते हुए, मानक है उसको फॉलो करते हुए आप चीजों को परचेज करेंगे। आईआरएस कंडीशन दी जाती है, आईआरएस के ड्राइंग्स भी आते हैं, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड, ठीक है। यूडीएम क्या है, स्टैंडर्ड्स है, वर्ड सही नहीं लिखा है यहाँ पर, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स, ठीक है। यूडीएम क्या है, यूजर डेपो मॉड्यूल, आजकल जो सबसे ज्यादा काम चल रहा है यूडीएम पर चल रहा है, आप लोग स्टोर को कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो ये बोला जाता है आप यूडीएम के थ्रू करो, यूजर डेपो मॉड्यूल, ठीक है। और ओईएम है, ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओईएम आपको मैंने बताया था पीएसी, जो पीएसी आइटम होते हैं ना, ठीक है, वो हम कोशिश करते हैं कि ओईएम से लें, ओईएम का मतलब कि ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से लें, अदरवाइज डीलर्स जो होते हैं ना, डीलर के पास आते हैं, उसका रेट थोड़ा बढ़ जाता है, तो हम हमारी कोशिश होती है अगर कोई ओईएम है तो उससे हम उसको प्रेफर करें, ठीक है, प्रेजेंट टू डीलर्स, ठीक है। आगे है पीएसी, तो आप समझ गए, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है। क्रिस, ठीक है, क्रिस हमारी आप जानते हैं आजकल बड़ी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बहुत सारे एप्स बना रही है, बहुत सारे प्रोग्राम्स यही बना रही है, ठीक है, सारे प्रोग्राम्स रादर यही बना रही है, ठीक है। ये पीएसयू है आई थिंक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, रेलवे का काफी बड़ा भागीदारी है इसमें, ठीक है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। आईआरपीएस क्या है, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, ठीक है, स्टोर के सब एक तरह से बड़े इंपॉर्टेंट अंग है, ठीक है। एमयूएफ क्या है, मंथली यूजेस फैक्टर, आपको सपोज कोई मटेरियल दिया गया, आपको ऐसे है कि भाई एक साल में इतना मटेरियल कंज्यूम करना है, तो ऐसा ना हो कि जनवरी महीने में ज्यादा लगा दिया, फिर फरवरी में कम हो गया, इस तरह आपको उसको इवनली डिवाइड करना है, अंटिल अनलेस कोई बहुत हार्श सिचुएशन आपके सामने ना हो, तो हम क्या करते हैं उसको मंथली यूजेस फैक्टर के बिहाफ पर इशू करते हैं, देते हैं लोगों को, ठीक है। और एक अच्छा चेक पॉइंट होता है कि आपको जो फाइनल यूजर है, एंड यूजर है, उसको आप इशू कर रहे हैं, तो उससे पूछें भाई आपका पिछले महीने में तो आपने इतना यूज किया था, इस महीने ज्यादा क्यों, ठीक है, कम है तो चुपचाप रहने का, कम में नहीं बोलने का, ज्यादा में हमेशा चेक करने का, क्योंकि रेलवे का कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। आईएसओ ऊपर भी आ चुका है, नीचे भी आ चुका है, दोबारा पढ़ लेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, ये भी हो गया। और लास्ट है इसमें एब्रिविएशन में आईएमएस, ठीक है, आईएमएस क्या है, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने देख लिया, ठीक है, इसका फोटो ले लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं, पीपीटी शुरू करते हैं, ठीक है। पीपीटी कुछ इस तरह से शुरू होती है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी आपको अगर परचेज करना है तो क्वांटिटी का प्रोक्योरमेंट जो है उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कि हाँ मुझे इतनी चीज की जरूरत है मैं सीधे सीधे जाके परचेज कर लूंगा, ऐसे नहीं, ठीक है। अप्रूवल लेना पड़ता है कि भाई मुझे क्यों चाहिए, किस किस चीज में चाहिए, क्या काम बढ़ा है, लाइक दैट, हाँ किस काम के लिए लेना है, ठीक है, और उस काम का रेलवे में, रेलवे के संचालन में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सब ध्यान में रखते हुए आप एक नोट बनाते हैं, पुटअप करते हैं, ठीक है। तो और फाइनली स्टोर डिपार्टमेंट को जाता है, क्योंकि परचेज करेगा आपके लिए स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट में पीसीएम साहब को, प्रिंसिपल चीफ पटेल मैनेजर को फुल पावर है, ठीक है, कि वो किसी भी क्वांटिटी को प्रूव कर सके, ठीक है। अब वो क्या है, पीसीएम हैज फुल पावर फॉर परचेज थ्रू इंडेंट प्लेसिंग इंडेंट थ्रू टेंडर प्लेसिंग इंडेंट्स रेट कॉन्ट्रैक्ट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज्ड बाय आरबी रेलवे बोर्ड जेड आर जोनल रेलवे पीयू पब्लिक यूनिट ठीक है पब्लिक सेक्टर यूनिट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ
स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम सभी के लिए ध्यान रहे। आगे हम बात करेंगे स्टॉक और नॉन स्टॉक आइटम्स को ज्यादा डिटेल में, ठीक है। अब है एक और चीज है आगे, इस पर हम बात करेंगे। एबीसी कैटेगरी आइटम्स की कैटेगराइजेशन हुई है स्टॉक आइटम्स की, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी, ठीक है। इसका कैटेगराइजेशन का भी जो पूरा पावर है वो पीसीएम को है कि कौन सी आइटम को ए कैटेगरी बनाया जाए, कौन सी बी कैटेगरी बनाया जाए, कौन सी सी कैटेगरी बनाया जाए। दो वो ऐसे नहीं रेंडमली ऐसे नहीं करते हैं, वो उनका कुछ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसके थ्रू वो डिसाइड करते हैं एबीसी क्या होगा। और रेलवे बोर्ड भी डिसाइड करता है कि ए कैटेगरी में कौन आइटम होगा, बी कैटेगरी में कौन सा होगा और सी कैटेगरी में कौन सा होगा, बट फाइनल अथॉरिटी पीसीएम को है। ये ध्यान रहे। अब जो नॉन स्टॉक आइटम है, ठीक है, नॉन स्टॉक आइटम में जो रिक्विजिशन आप भेजते हैं उसको रिक्विजिशन साइन करने का कितना पावर है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा देख लीजिए। साइनिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशन, ठीक है, साइनिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशन बाय यूजर डिपार्टमेंट। यूजर डिपार्टमेंट का मतलब आपका डिपार्टमेंट होगा, इंजीनियरिंग हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, ठीक है, मतलब फॉर श्योर स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तो साइनिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस बाय यूजर डिपार्टमेंट, जो आपके पीएचओडी है या सीएचओडी है वो कितना उनके पास पावर है नॉन स्टॉक का, अबव रुपीज 45 लाख, ये ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। अपने आपके पीएचओडी को 45 लाख के ऊपर का नॉन स्टॉक आइटम का रिक्विजिशन साइन करने का पावर है। ये CWM, ADRM और ACG को कितना पावर है, अब 15 लाख बट लेस देन 45 लाख, ये ध्यान रखना है। जे ग्रेड को और SG को कितना है, अब 2 लाख अप टू 15 लाख। जे ग्रेड का ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जे ग्रेड को कितना पावर है नॉन स्टॉक रिक्विजिशन साइन करने का, ध्यान रहे मैं फिर से बोल रहा हूँ, खरीदने का नहीं है ये, रिक्विजिशन साइन करने का केवल है, ठीक है, 2 लाख से 15 लाख, ठीक है। SS, ठीक है, अगर सीनियर स्केल है, सीनियर स्केल तभी यूज करेंगे अपना पावर जब जे ग्रेड वगैरह अब्सेंट हो, वहां पर नहीं हो, वहां पर पोस्टिंग नहीं हो, ठीक है। अब रुपीज 25,000 से 2 लाख के बीच में SS का पावर है, ठीक है, ठीक है, सीनियर स्केल का, ठीक है। और जूनियर स्केल का पावर है केवल 25,000 तक। ये क्या है, किसका पावर है, नॉन स्टॉक रिक्विजिशन साइन करने का, खरीदने का नहीं है फिर भी बोल रहा हूं मैं, खाली रिक्विजिशन साइन करने का, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, फोटो वगैरह ले लेना, क्वेश्चन ज्यादातर जे ग्रेड से आता है, ठीक है, जहां पर इसका इनका पावर जो है 25,000 से 2 लाख के बीच में है। नेक्स्ट है, हाँ, अब जो पीएसी साइन करना, अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि जो पीएसी होगा वो कौन साइन कर सकता है, आपने यूजर डिपार्टमेंट हमेशा वो सर्टिफिकेट देता है, उसकी अर्जेंसी वो बताते हैं, ये इस आइटम की अर्जेंसी है, और एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, शायद पढ़ा होगा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो पीएसी साइन करने का कौन करेगा, यूजर डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। उसमें पीएचओडी को पावर कितना है, अब 25 लाख, अब कितना है 25 लाख। CWM, ADRM, SHG को कितना पावर है, अप टू 25 लाख, ठीक है। और जे ग्रेड को कितना है, अप टू 15 लाख, ध्यान रखना, ठीक है, जे ग्रेड से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितना है 15 लाख, ठीक है। सीनियर स्केल को कितना पावर है, अप टू 2 लाख। ये पीएससी आइटम की बात कर रहा हूँ, पीएससी आइटम सबसे ज्यादा जो है वो हर्ट करता है और क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है। एक अच्छा, जूनियर स्केल को कितना पावर है, अप टू 75,000 रुपए। पीएससी साइन करने का केवल और केवल जूनियर स्केल को, ठीक है, पावर है 75,000 रुपए, इसके ऊपर पीएससी नहीं साइन कर पाएंगे, ठीक है। और सीनियर स्केल को 2 लाख तक का है, जे ग्रेड को 15 लाख तक का है, ये 3 पावर्स आप याद रखें। चले अच्छा, अब एक चीज होती है वेटिंग करना है। वेटिंग का मतलब आपको अकाउंट से अकाउंट को इन्वॉल्व करना है, अकाउंट के नॉलेज में पूरी तरह से उसको संज्ञान में लाके, ठीक है, काम करना है। तो वेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशन, ठीक है, इसमें है इन केस ऑफ सैंक्शनड वर्क, अगर कोई काम पहले से चल रहा है, सैंक्शन वर्क हो चुका है, ठीक है, सैंक्शन वर्क वेयर डिटेल्ड एस्टिमेट हैज बीन सैंक्शनड,
वेटिंग ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशंस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, काम पहले से चल रहा है, बीच में कुछ परचेज करने की जरूरत है, नॉन स्टॉक आइटम, ठीक है, उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड है, तो आपको उसको वेटिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना। और वो ये पावर कहां से आता है, रेलवे बोर्ड का एक लेटर मैंने यहां पर कोट किया है, ये पावर वहां से आता है, ठीक है। दूसरा है सेफ्टी आइटम और दूसरा है पैसेंजर नेसेसिटी आइटम। पहले इस पैसेंजर नेसेसिटी आइटम को पैसेंजर एमिनिटी आइटम बोला जाता था, लेकिन एक साल पहले पैसेंजर एमिनिटी वर्ड हटाया गया, पैसेंजर नेसेसिटी आइटम नाम दिया गया। सेफ्टी आइटम हो, ठीक है, वाइटल भी आइटम होता है, लेकिन यहाँ पर दो आइटम की बात करी गई है, सेफ्टी और पैसेंजर नेसेसिटी आइटम, ठीक है। अब 10 लाख रुपए, अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का है खरीद कर रहे हो नॉन स्टॉक में, ध्यान रहे मैं फिर से बोलता हूँ, नॉन स्टॉक आइटम और दो कैटेगरी में आती है, सेफ्टी आइटम है या पैसेंजर नेसेसिटी आइटम है, अगर 10 लाख से ऊपर है तो अकाउंट वेटिंग मस्ट है, अकाउंट वेटिंग कराना जरूरी है, ठीक है। अदर देन सेफ्टी पैसेंजर एमिनिटी आइटम अबव रुपीज 2.5 लाख, अब एक मोटे मोटे तौर से आप मान के चलो अकाउंट का रूल, अगर 2.5 लाख से ज्यादा का परचेज आप करने जा रहे हो, नॉन स्टॉक आइटम है, तो 2.5 लाख से ऊपर आपको अकाउंट के बारे में सोचना पड़ जाएगा, 2.5 लाख से ऊपर आप बिंदास कर सकते हो विदाउट वेटिंग ऑफ द 2.5 लाख का एक मैजिकल फिगर है, इसको आप जरा ध्यान रखना। अब वेटिंग ऑफ परचेज ऑर्डर, ठीक है, परचेज ऑर्डर जो है उसकी भी वेटिंग करानी है आपको, ठीक है। ये उतना पॉपुलर कैटेगरी नहीं है बट याद रखो तो अच्छा है। द लिमिट फॉर वेटिंग ऑफ परचेज ऑर्डर इज अबव 15 लाख फॉर सेफ्टी आइटम्स, ठीक है, ठीक है। और ये जो है ये स्टोर डिपार्टमेंट करके देगा, ठीक है, क्लियर, ये स्टोर डिपार्टमेंट का पावर है, ठीक है। लिमिट ऑफ वेटिंग ऑफ परचेज ऑर्डर ऑफ अबव इज अबाउट 15 लाख फॉर सेफ्टी आइटम, वो कहां से पावर मिला, रेलवे बोर्ड का एक मैंने यहां पर लेटर कोट किया हुआ, ठीक है। पैसेंजर नेसेसिटी आइटम में सब्जेक्ट टू 10% टेस्ट चेक ऑफ अमाउंट रुपीज 8 लाख फॉर अदर देन सेफ्टी पैसेंजर आइटम, ठीक है, ठीक है। बस ये दो ध्यान रखना, 15 लाख जो है वो आपको सेफ्टी आइटम, ठीक है, परचेज ऑर्डर, हाँ परचेज ऑर्डर की वेटिंग की बात चल रही है, 15 लाख से ऊपर है तो परचेज ऑर्डर को वेट कराना है स्टोर डिपार्टमेंट से, ठीक है। पैसेंजर नेसेसिटी आइटम है तो 8 लाख से ऊपर, इतना ध्यान रखना। और यही पावर अकाउंट डिपार्टमेंट की जो जे ग्रेड है उनके पावर 5 करोड़ रुपए की है, बस बहुत हो गया, इतना जानना आपको, ठीक है, वेटिंग ऑफ परचेज ऑर्डर इतना, ठीक है। अब ये जरा ये पेज आप पढ़ना, वेटिंग ऑफ इंटेंट, इंटेंट का मतलब मांग पत्र, वेटिंग ऑफ इंटेंट बाय एसोसिएट फाइनेंस फॉर इंटेंट टू बी प्लेस्ड ऑन सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट एजेंसी बाय पीसीएम। और ये पावर जरा देखना, मैंने फिर से 15 लाख और 8 लाख ये जरा देखना, एक मिनट का टाइम देता हूं ये पेज आपको रीड करने का, फोटो ले लेना इसका। आप बोलेंगे तभी आगे बढ़ूंगा। आगे चले सर, रुके चले आगे। ओके सर, चलिए चलिए प्लीज। ओके इसमें ना ये पॉइंट, ये जो ये आपके एसओपी मॉडल एसओपी का एक एक्सेप्ट है, ठीक है, इसको जरा समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जरा एक मिनट आप
लंबी सांस लेके इस पर ध्यान देना. इनविटेशन ऑफ टेंडर्स फॉर इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट. ठीक है, टेंडर्स जो है हमने तीन तरह के दिखे थे मोस्टली. एक तो ओपन टेंडर था, उसके बाद क्या था, ग्लोबल वाला था. हाँ, ग्लोबल पर एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, बी ग्लोबल है और यहाँ पर उसके बाद लिमिटेड टेंडर है. तीन का मैंने अलग से पावर बताया हुआ है. ए है इनविटेशन ऑफ टेंडर्स फॉर इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट. ठीक है, ए है ओपन टेंडर फॉर नॉन जीईएम. आजकल बहुत सारा प्रोक्योरमेंट हम रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं कि जीईएम से करना है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से करना है. ठीक है, तो कहते हैं ओपन टेंडर फॉर नॉन जीईएम आइटम्स. कई आइटम ऐसे होते हैं जो जीईएम पर नहीं है. ठीक है, इन द नॉर्मल कोर्स इंक्लूडिंग मेडिकल एंड सर्जिकल आइटम्स. ठीक है, पावर है कि कैसे इन्वाइट कर सकते हैं टेंडर. ठीक है, इसमें ना पीसीएम को फुल पावर है. ठीक है, लास्ट में अदर ऑफिसर को भी पावर है. पीसीएम वगैरह तो आप ठीक है याद रखो ना, रखो आठवें कॉलम में अदर ऑफिसर को पावर है. फील्ड स्टोर ऑफिसर एंड देयर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन होंगे, सीडब्ल्यूएम होंगे, एडीआरएम होंगे. ठीक है, इनको भी पावर्स है इसमें. ठीक है, ओके. दूसरा है जो दूसरा क्वेश्चन अभी अभी एक एग्जाम में आया था, टू इनवाइट ऑल टाइप ऑफ ग्लोबल टेंडर. ठीक है, रेलवे बोर्ड को तो पावर है ही, लेकिन जोनल लेवल पर ईसीएमएम को फुल पावर है. तो उसमें क्वेश्चन पूछा था भाई किसको किसको पावर. ठीक है, तो फुल पावर अप टू हिज पावर ऑफ एक्सेप्टेंस विदाउट फाइनेंस कॉन्करेंस. ठीक है, क्लियर. तीसरा है लिमिटेड टेंडर इन नॉर्मल कोर्स इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड सर्जिकल्स. लिमिटेड में कितना है पावर, पीसीएमएम को 25 लाख लाख तक ही है, ध्यान रखना. वो अपने ने देखा था लिमिटेड टेंडर का यही लिमिट है 25 लाख. ओके, ठीक है, और उसके जो नीचे ऑफिसर हैं उनका तो काफी कम हो गया है. ठीक है, एएमएम का तो काफी कम है, 3 लाख का ही पावर है. चले आगे चलते हैं. परचेज मेड डायरेक्टली बाय डिपार्टमेंट, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिपार्टमेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट है अदर देन स्टोर, उनको भी कुछ पावर्स दिए गए हैं. ठीक है, ये परचेज जो है ये आप ध्यान रखना, इस पेज से एक क्वेश्चन कंफर्म है. ठीक है, क्या है, परचेज मेड डायरेक्टली बाय डिपार्टमेंट अदर देन स्टोर डिपार्टमेंट. आपको स्टोर को भी इन्वॉल्व नहीं करना है. ठीक है, आपके डिपार्टमेंट को स्टोर को इन्वॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली दे कैन परचेज. कंडीशन क्या है, ठीक है, उनको करना है जीएम के थ्रू. किसके थ्रू करना है, जीएम के थ्रू परचेज करना है. ऑफिसर्स ऑथराइज्ड बाय पीएचओडी ऑफ यूजर डिपार्टमेंट मे बी परमिटेड टू बाय गुड्स नॉन स्टॉक आइटम अवेलेबल ऑन जीएम बाय प्लेसिंग डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर्स अप टू 25,000 इन ईच केस. ये जो फिगर है ना 25,000, ये ध्यान रखना, जीएम जीईएम के थ्रू परचेज. हां सर, डिपार्टमेंट का 25,000 इन ईच केस. एक और चीज इसमें, एक और क्लॉज है, दिस मे बी सब्जेक्ट टू एनुअल सीलिंग ऑफ ₹10 लाख पर डिपार्टमेंट पर एनम. लेकिन ये लिमिट है 10 लाख, एक डिपार्टमेंट 10 लाख से ऊपर एक साल में नहीं खरीद सकता. ठीक है, नॉन स्टॉक आइटम्स. क्लियर, तो ये जरा ध्यान रखना, 10 लाख रुपए सीलिंग लिमिट है डिपार्टमेंट की और 25,000 रुपए तक. ठीक है, हर आइटम नॉन स्टॉक आपका डिपार्टमेंट, ठीक है, आपके ऑफिसर खरीद सकते हैं. उसके लिए ना एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ऑफिसर को एक लिखना पड़ेगा आई अपना नाम. लेकिन 10 लाख से ऊपर का नहीं है. ये इस पर मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है. एक एस्टैब्लिशमेंट जितने का है वो एक डिपार्टमेंट माना जाएगा, तो उनके हिसाब से माना जाएगा. इसीलिए तो, इसीलिए इसमें पावर जो है वो पीएचओडी डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से यूनिट को ये पावर देना है, कौन कौन से यूनिट को नहीं देना है. ये 10 लाख ही लेके बैठे हैं. ठीक है, एक सर्टिफिकेट देना होता है आई अपना नाम. आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दीज गुड्स परचेज्ड आर
of the requisite quantity and specification and have been purchased from a reliable supplier at the reasonable price. ये आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो ये सब पावर वगैरह की बात रही, कुछ टर्म्स हैं वो जल्दी सीख लेते हैं। रेट ऑफ रिटर्न, जब भी आप कुछ कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो रिटर्न की जरूर उम्मीद रखते हैं, ठीक है? तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी जज्ड बाय रेशियो नोन एज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज डिफाइंड एज प्रॉफिट अर्न टू द यूनिट इन्वेस्टमेंट। आर ओ आर का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल, ठीक है? तो इसमें जो कैपिटल होता है ना, नीचे लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है? और प्रॉफिट में टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, जितना आपने कमाया और जितना आपने खर्च कर डाला, ठीक है, वो आएगा, वो बनाएगा आपका प्रॉफिट। तो आर ओ आर ध्यान रखना, और आर ओ आर जो है वो अच्छा हो तो अच्छा है, ठीक है? अब टॉपिक जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, स्टोर है, स्टॉक आइटम क्या होते हैं, नॉन स्टॉक आइटम क्या होते हैं, एबीसी एनालिसिस थोड़ा ज्यादा ध्यान देने जैसा है। तो मैं एक काम करूं, एबीसी एनालिसिस पहले करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो हम जल्दी से ना एबीसी एनालिसिस जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें जरा देख लेते हैं एबीसी एनालिसिस, ठीक है? एबीसी एनालिसिस कैसे डिसाइड किया गया है, ठीक है? उसमें जरा देखना, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, ये आइटम की डेफिनेशन है। ए कैटेगरी आइटम्स आर हाई वैल्यू आइटम्स कंसिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 70% ऑफ वैल्यू ऑफ स्टोर, ये हाल फिलहाल में ये डेफिनेशन है, 70% ऑफ वैल्यू ऑफ स्टोर्स बट रिप्रेजेंटिंग ओनली 10% ऑफ आइटम्स। ये नोट कर लेना भाई, या फोटो खींच लेना जल्दी से, ठीक है? ओके, बी कैटेगरी आइटम कैसे डिफाइंड है, 20% वैल्यू ऑफ स्टोर कंप्राइज होना चाहिए और पूरे स्टॉक का कितना रिप्रेजेंटेशन इनको जाता है, केवल 20%, 20% वैल्यू वाइज और 20% क्वांटिटी वाइज। सी कैटेगरी कैसे होते हैं, 10% वैल्यू वाइज लेकिन क्वांटिटी वाइज 70%, ये क्राइटेरिया है ए बी सी को डिफाइन करने का, ठीक? तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो शेड्यूल्ड है, ठीक है? तो बस आज यहीं तक।